एक बहुत सुंदर गीत गाए, डिवाइन सॉन्ग, और ऐसा गीत गाए अर्जुन के मन में अनेकों परेशानी थी, अर्जुन अनेकों चिंताओं से घिर चुका था। हमारे जीवन में भी ऐसी स्थिति आती है भक्तों, हम लोग गृहस्थ हैं, संसार में अनेकों लोगों के साथ रहना व्यवहार करना, हमारे जीवन में भी ऐसी परिस्थिति आती है जो अर्जुन के जीवन में आई थी, और उस परिस्थिति से निकलने का अर्जुन को कोई मार्ग नहीं मिला। तब अर्जुन ने एक काम बहुत अच्छा किया कि उन्हीं के रथ पर भगवान कृष्ण बैठे थे, उनको अपना गुरु बना लिया। जब अपने शरीर में कोई प्रॉब्लम हो और फिर हम लोग घरेलू नुस्खे करते हैं, गरम पानी पी लिया, हल्दी ले ली, ये ले लिया, वो ले लिया, अपने सारे नुस्खे जब फेल हो जाए तो बुद्धिमानी ये है कि अपने आप को किसी डॉक्टर के चरणों में समर्पित कर। भाई तू सब कुछ जानता है, अब तू देख ले। ठीक उसी प्रकार जीवन जब चिंताओं से घिर जाए, जब आगे अंधेरा दिखाई दे, अब इस परिस्थिति में मुझे क्या करना क्या नहीं करना ये कुछ समझ में ना आ रहा हो, तो एक कार्य अवश्य करें कि किसी सद्गुरु के चरणों में समर्पित हो। अर्जुन समर्पित हो गए, और अर्जुन ने कहा कि कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव, हे कृष्ण मेरे अंदर एक दुर्बलता आ चुकी है, एक कृपणता आ चुकी है, और इसलिए मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है। पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ चेता, मेरी चेतना मूढ हो चुकी है, इसलिए पृच्छामि मैं आपको पूछ रहा हूं, कृपया करके यत श्रेयस्य मेरी आत्मा के कल्याण के लिए जो भी कुछ आपके पास है, आप जो भी कुछ कह सकते हो, कोई कठोर शब्द है, कोई कड़वी बात है, आप मुझे बताइए, क्योंकि अब तक आप मेरे मित्र थे, अब आप मेरे मित्र नहीं, अब आप मेरे गुरु हैं और मैं आपका शिष्य हूं, आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। और फिर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का मार्गदर्शन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से भगवद गीता का ज्ञान सुनाते हैं। अब भगवद गीता में तो अनेकों ध्यान योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, अनेकों प्रकार के योग अनेकों प्रकार के योग भगवान श्री कृष्ण ने ये कम कर दो मेरा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सो अनेकों प्रकार के योगों का वर्णन कृष्ण ने अर्जुन को किया, लेकिन उन सब में न जाए, ये सब कुछ सुनाते 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 कृष्ण ने पूरी भगवद गीता का सार 18वें अध्याय में कहा। क्या कहा? सर्वधर्मान परित्यज्य। मानो कृष्ण ने जब लास्ट में यह कहा ना सर्वधर्मान परित्यज्य, तो अर्जुन ने कहा होगा तो मेरी 45 मिनट क्यों बिगाड़ी आपने, शुरू में ही यह श्लोक बोल दिया होता तो। अर्जुन ने मान लो ये कहा होगा, हम लोग कभी चिंतन करते हैं, सोचते हैं प्रभु पहले आपने मुझे कंफ्यूज किया ध्यान योग,
अष्टांग योग, फिर ज्ञान योग, फिर ये योग, कर्म योग, जब आपको इसी प्लेटफॉर्म पर मुझे लाना था, फिर क्या कहा कि ये सब कुछ उड़ा दो, ये सब कुछ छोड़ दो, सर्वधर्मान परित्यज्य। तो प्रभु ये सब क्यों? तब कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, यदि सीधा सीधा मैं तुझे कह देता तो तू मानता? तू नहीं मानता, इसलिए ये सब सुनाना पड़ा। कुल मिलाकर भगवद गीता का सार सर्वधर्मान परित्यज्य, संस्कृत है लेकिन सीधा सीधा है, सर्वधर्मान सभी धर्मों को परित्यज्य, त्यज्य माने त्यागो और परित्यज्य माने पूर्ण रूप से त्यागो। ये कोई बात हुई? संसार में सिखाया जाता है कि धर्म को करो, धर्म पकड़ो, तो यहां कहते हैं सर्वधर्मान त्यागो। इसका अर्थ क्या है? अब भगवद गीता के अंत में, लास्ट में कृष्ण ने यह कह दिया कि सर्वधर्मान सभी धर्मों को परित्यज्य, पूर्ण रूप से त्यागो और माम एकम शरणम ब्रज, और मुझ अकेले कृष्ण की शरण ग्रहण करो। यदि ऐसा करोगे अर्जुन तो अहम त्वाम सर्व पापे भ्यो, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, और इतना ही नहीं मोक्ष इष्यामि, मैं मोक्ष दे दूंगा, मुक्ति दे दूंगा, तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। दो चीज करनी होगी, क्या? सर्वधर्मान परित्यज्य, सभी धर्मों को पूर्ण रूप से त्यागना होगा, और माम एकम शरणम व्रज। अब इस बात को प्रैक्टिकल आप सोचो, आप क्या करोगे? श्लोक तो हमने बहुत गाया, श्लोक तो हमने बहुत सुना, गीता सार सर्वधर्मान परित्यज्य, तो सभी धर्मों का पूर्ण रूप से त्याग करने का अर्थ क्या है? हम कैसे सभी धर्मों को त्यागे? और सभी धर्मों को त्याग कर कृष्ण ने कहा माम एकम शरण व्रज, तो कृष्ण की शरण कैसे ग्रहण करें? चलो मान लो कृष्ण की शरण ग्रहण करनी है, किसी मंदिर में जाकर कृष्ण के चरण को पकड़ ले, कस के मूर्ति गिर जाएगी। हमारे पंढरपुर में विठल की मूर्ति आधी घिस गई, वो चरण पकड़ पकड़ कर। तो भगवद गीता के अंत में गीता सार सुनाते हुए कृष्ण ने सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज की बात करके गीता का एंड कर दिया। और जहां गीता का अंत हुआ वहां से श्रीमद् भागवत शुरू हुआ। भागवत की शुरुआत ऐसे होती है, ये कनेक्शन है भगवत गीता और भागवत। आधी दुनिया को तो यही नहीं पता है कि गीता और भागवत अलग चीज है। हम लोग कभी कहते हैं कि जरा भागवत लाइए, तो वो छोटी सी गीता लेकर आते हैं। हम कहते हैं गीता नहीं भागवतम, बोले दोनों एक ही तो है। भगवत गीता अलग चीज है और श्रीमद् भागवतम अलग चीज है। गीता उपनिषद के अंतर्गत है, भागवत पुराण के अंतर्गत है। भगवत गीता सरल भाषा में यदि समझना हो तो भगवत गीता माने कृष्ण ने जो कहा वो है भगवत गीता, और कृष्ण ने जो किया वो है श्रीमद् भागवतम। तो भगवत गीता में कृष्ण ने अंत में कहा सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम, गीता समाप्त। और अब यहां से भागवत शुरू होता है कि सर्व धर्म को कैसे त्यागना और कृष्ण की शरण ग्रहण कैसे करना। श्री व्यास मुनि श्रीमद् भागवतम में लिखते हैं कि द्वापर युग का जब अंत हुआ और कलयुग का प्रारंभ हुआ, इस संसार के जितने भी ऋषि मुनि थे, समस्त ऋषि मुनि चिंता करने लगे कि इस कलयुग में अनेकों प्रकार के दोष हैं, प्रॉब्लम है, हिंसा है, सो कलयुग में विश्व शांति लाने के लिए हम क्या करें? हमें कुछ उद्यम, हमें कुछ मेहनत करनी चाहिए विश्व शांति के लिए।
सो ऋषि मुनियों ने सोचा कि हम यज्ञ करेंगे, लेकिन यज्ञ कहाँ करेंगे? सारे ऋषि मुनि ब्रह्मा के पास गए, ब्रह्मा जी कोई अच्छा स्थान बताइए जहां पर हम विश्व शांति हेतु यज्ञ कर सके। और उसी समय ब्रह्मा जी ने मनोमय चक्र का निर्माण किया और ब्रह्म लोक से वह मनोमय चक्र छोड़ा। वह चक्र घूमते 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 लखनऊ से, हमारे भारत में स्टेट है लखनऊ, लखनऊ से लगभग 80-90 किलोमीटर दूर आकर गिरा। जिस स्थान पर चक्र गिरा वहां पर हो गया एक चक्र तीर्थ, चक्र कुंड। और उस चक्र की नौमी वहां पर क्षीण हुई, इसलिए उस स्थान का नाम पड़ा नैमी शारण्य। सो पवित्र नैमी शारण्य क्षेत्र ब्रह्मा जी ने निवेदन किया कि यहां पर यज्ञ करो, कलयुग के प्रभाव से बच जाओगे। अन्य पुराणों में यह भी कहा गया कि निमिष नाम के अनेकों वृक्ष थे, इसलिए नैमिषारण्य कहते हैं। नैमिष गोत्र के वहां पर ऋषि मुनि थे, इसलिए उसे नैमिषारण्य कहते हैं। या फिर वराह पुराण के अनुसार इस क्षेत्र में भगवान विष्णु ने अपने एक निमेश मात्र में लाखों असुरों का वध किया था, इसलिए इस क्षेत्र को नैमिषारण्य। सो कुल मिलाकर नैमिषारण्य, श्रीमद् भागवत के श्लोक के अनुसार यदि हम समझे तो नैमिषे निमिषा क्षेत्रे ऋषयः शौनकादय सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्रम सममासता। सारे ऋषि मुनि नैमिषारण्य क्षेत्र में आए और विश्व शांति हेतु यज्ञ करने लगे। बहुत सुंदर गोमती नदी, धेनुमती नदी बहती है नैमिषारण्य। धेनुमती के तट पर यज्ञ प्रारंभ हुआ, वेदों की ध्वनि होने लगी, यज्ञ में आहुति देने लगे और धीरे धीरे दिन अनेकों हफ्ते अनेकों महीने बीते और एक दिन एक गुड न्यूज, एक शुभ समाचार उन ऋषि मुनियों को मिला। किसी ने उन यज्ञ करने वाले ऋषि मुनियों को आकर कहा कि हमारे नैमिषारण्य क्षेत्र में श्री रोमहर्षण सूत, पुराणों के वक्ता रोमहर्षण, श्री रोमहर्षण सूत के पुत्र उग्रश्रवा सूत, भागवत के मर्मज्ञ बलराम जी के कृपा पात्र, सुखदेव गोस्वामी के शिष्य, ऐसे श्री उग्रश्रवा सूत हमारे नैमिषारण्य में आ रहे हैं। भागवत के इतने बड़े वक्ता महाभागवत हमारे पास, हमारे वहां आ रहे हैं, ऐसा समाचार उन ऋषि मुनियों ने सुना। कुछ देर के लिए ऋषि मुनियों ने मीटिंग की और एजेंडा क्या था कि भाई हम तो यज्ञ कर रहे हैं और यज्ञ संकल्प था, ये यज्ञ कितने देर तक करेंगे? सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्रम सममासत, 1000 वर्ष तक यज्ञ करेंगे, ये संकल्प है 1000 वर्ष का यज्ञ। लेकिन उस बीच में एक साधु, एक ऋषि महाभागवत, जो भागवत को जानते हैं, वो उनके पास आए तो ऋषि मुनियों को प्रश्न हुआ कि अब हम क्या करें, अब यज्ञ करें कि इस भागवत के वक्ता सूत जी के मुख से भागवत सुने। भारत के समस्त ऋषि मुनि बैठे थे और ये प्रश्न खड़ा हुआ कि अब यज्ञ करें कि भागवत सुने। तब सारे ऋषि मुनियों ने एक स्वर से भगवत गीता को याद किया, बोले कृष्ण गीता में क्या कहकर गए, सर्व धर्मान परित्यज्य, ये यज्ञ करना हमारा धर्म है, ऋषि मुनियों का निज धर्म, शम दम तप शोच शांति ऊर्ज एवच ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म सुभावजम, यज्ञ करना हमारा धर्म है। लेकिन कन्हैया भगवत गीता में, योग योगेश्वर कृष्ण गीता में क्या कहकर गया कि गीता का सार है सभी धर्मों को छोड़कर माम एकम शरणम ब्रज। सो ऋषि मुनियों ने निर्णय लिया कि यज्ञ करना हमारा धर्म है, लेकिन आज भागवत हमारे पास आ रहा है और भागवत में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। भागवत भगवान का स्वरूप है,
और गीता में कृष्ण ने कहा सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण ग्रहण करो। सो प्रैक्टिकली ये बात क्या होती है, यज्ञ आदि सारे कर्म छोड़कर भागवत कथा की शरण ग्रहण करना, ये है सर्वधर्मान परित्यज्य। और ऋषि मुनियों ने एक स्वर से निर्णय लिया कि हम यज्ञ छोड़ देंगे और भागवत कथा सुनेंगे। तब दो पांच तो निकल ही जाते हैं। आप कितना भी अच्छा काम करो, दो पांच तो निकल ही जाएंगे। ऐसे भगवान उनका अवतार कार्य ही ये होता है, जैसे भगवान का अवतार कार्य रिजो होता है, धर्म की स्थापना करना। तो दो पांच के होते ही है टांग अड़ाना। दो पांच ने कहा कि लेकिन हमारा ये संकल्प का क्या होगा, हमने हजार वर्ष का संकल्प लिया है यज्ञ करने के लिए, तो फिर हम तो हमारा संकल्प टूट जाएगा। तब बुद्धिमान ऋषि मुनियों ने कहा कि देखो भाई, यज्ञ दो प्रकार के होते हैं, एक द्रव्य यज्ञ और एक ज्ञान यज्ञ। हमारा संकल्प है यज्ञ करना, राइट? तो यज्ञ कहां बंद करना है? अभी तक हम लोग द्रव्य यज्ञ कुंड बनाकर मंत्र की आहुति देकर यज्ञ कर रहे थे, और अब हम सब लोग एक ऋषि के चरणों में बैठकर भागवत कथा रूपी प्रेम यज्ञ करेंगे। यज्ञ बंद कहां है? और एक बात कान खोल कर सुन लो, चाहे भगवत गीता हो, गीता में कृष्ण कहते हैं और पद्म पुराण में सनकादिकों ने कहा कि द्रव्य यज्ञ से कोटि गुना श्रेष्ठ भागवत कथा रूपी ज्ञान यज्ञ माना गया है। सो जब भागवत कथा रूपी ज्ञान यज्ञ प्रेम यज्ञ हो रहा हो तो द्रव्य यज्ञ की आवश्यकता नहीं रहती। यदि करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आवश्यकता नहीं रहती। इसलिए समस्त ऋषि मुनि अपने यज्ञ को छोड़कर भागवत कथा सुनने के लिए। अब कथा तो ऐसी भी आती है, कुछ ऋषि मुनियों ने कहा कि लेकिन सूत जी मना करेंगे तो, कि भाई आप लोग यज्ञ कर रहे हो तो करते रहो, क्यों कथा सुन रहे हैं? तो दो पांच होते हैं ना हमारे मुंबई के भाई लोग जैसे, ऋषि तो सारे टाइप के होते हैं ना, विनम्र भी होते हैं है? तो कुछ जो थे ना मोटे थोड़े ऋषि मुनि है, वो सीधे गए गोमती नदी का पानी बाल्टी में भरकर लाए और यज्ञ कुंड में डाल दिए। और कुछ लोग माटी लेकर आए और यज्ञ में डाल दिए, बोले अब सूत जी को पता भी नहीं चलेगा यहाँ यज्ञ हो रहा है। और फिर जब सूत गोस्वामी आए, 88,000 ऋषि मुनि उनके चरणों में बैठे और बैठकर भागवत की जिज्ञासा करने लगे। सो पोदार परिवार ने जो कथा का आयोजन किया है, आज हमारा मुख्य विषय है भागवत महात्म्य और कुंती स्तुति, बराबर है ना? ठीक है ना? तो इस पर हमारा मूल फोकस होगा। तो ये भागवत की महिमा है। श्रीमद् भगवत गीता में जो अंत में कहा गया सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, इसका अर्थ ऋषि मुनियों ने चरितार्थ किया कि संसार के छोटी मोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, छोटे मोटे कर्तव्य को त्याग कर भगवत कथा सुनना, ये है सर्वोच्च धर्म जो ऋषि मुनियों ने निभाया है। मैं इस प्रसंग में अक्सर कहता आया हूं और कहता रहूंगा कि हमारे देश के ऋषि मुनि इस भागवत कथा को सुनने के लिए जब अपना यज्ञ छोड़ दिए, अपना यज्ञ त्याग दिए, तो हम और आप, हमारे घर के बाजू में ये भागवत कथा आई है, हम टीवी सीरियल नहीं त्याग सकते, हम हमारा छोटा मोटा काम नहीं त्याग सकते, हम हमारा जो कुछ अपॉइंटमेंट है, कुछ जो भी है पार्टी है, वो एक दो दिन के लिए नहीं त्याग सकते। जब ऋषि मुनियों ने अपना स्वाभाविक धर्म यज्ञ तक त्याग दिया, तो हम लोग छोटी बड़ी चीज, यदि हम ऋषि मुनि की संतान है तो निश्चित भागवत के लिए हम सर्व धर्मान परित्यज्य कर सकते हैं। सो ये है भागवत की महिमा। एक बार नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमण नामे। नारद मुनि अपनी वीणा बजाते बजाते बजाते, वो तो एक्चुअली
स्वर्ग में और वैकुंठ में ही घूमते हैं, लेकिन आज उसका मूड हुआ कि चलो पृथ्वी पर जाकर आओ, धरती पर जाकर आओ, क्या चल रहा है। और जैसे ही नारद जी पृथ्वी पर आए और ऐसा अनुभव हुआ, नारद जी पृथ्वी पर आए और सीधे वृंदावन में पहुंचे। कहां पहुंचे? वृंदावन। कहां पहुंचे? वृंदावन। यस, मैं चेक कर रहा हूं आप जग रहे हैं कि सो रहे हैं। एक्चुअली मुझे ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मैं जानबूझकर पूछूंगा, और आप लोग जोर से जवाब दीजिएगा ताकि नींद उड़ जाए। सो नारद मुनि विचरण करते करते ब्रज वृंदावन में पहुंचे, और वृंदावन में नारद जी ने क्या देखा? एक 16 साल की युवती क्रंदन कर रही थी, एक 16 साल की युवती रो रही थी, उसके दोनों ओर दो बूढ़े, लगभग 60 साल के बूढ़े दो पुरुष लेटे हुए थे, और ये कन्या क्रंदन कर रही है, रो रही है। सो नारद जी वहां से जा रहे थे और इस कन्या ने रोते रोते नारद जी को देखा। अरे नारद, तो नारद जी को कहा, भो साधु, हे साधु, भो मतलब उसका ध्यान आकर्षित किया, भो साधु क्षणम तिष्ठ मत चिंताम अपि नाशय। हे साधु, हे साधु, हे नारद मुनि, आप रुक जाइए, रुक जाइए। नारद जी ने इशारे में पूछा, क्यों रुकू? तो इन्होंने कहा, मत चिंताम अपि नाशय, मेरी चिंता को दूर करो, मेरी चिंता का नाश करो। नारद जी ने कहा, मैं तुम्हारी चिंता कैसे दूर कर सकता हूं? उस कन्या ने बहुत सुंदर कहा कि दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा अघहरम पुंसः। नारद जी, क्या मैं नहीं जानती कि आपका एक बार भी किसी को दर्शन हो जाए ना, तो जन्म जन्म का कष्ट दूर हो जाता है। जयति जयति देवो यस्य कायाधुवस्ते उत्तान पाद, और सुनीति का पुत्र ध्रुव 5 साल का था, हृदय में कष्ट था, सोतेली माँ ने कटु वचन कहे थे, घर से निकल गया, लेकिन रास्ते में आपका दर्शन हुआ। किसको? ध्रुव को। उस 5 साल के बालक ध्रुव ने आपका दर्शन किया, तो 6 महीने में भगवान की प्राप्ति हो गई, ईश्वर मिल गए। और ध्रुव तो फिजिकली डायरेक्ट आपको मिला था, लेकिन कयाधु का बेटा प्रहलाद वो तो माँ के पेट में था, तो बाहर भी नहीं था, लेकिन उस गर्भवती माँ ने आपके चरणों में बैठकर आपके श्रीमुख से भागवत कथा क्या सुनी? आपकी कृपा से एक असुर का बेटा, इतना बड़ा टेररिस्ट, इतना बड़ा आतंकवादी हिरण्यकश्यपु का बेटा संसार का सबसे बड़ा डिवोटी बन गया, भक्त राज प्रहलाद, आपकी कृपा से। किसने कहा? उस 16 साल की लगभग प्राची माता जी जैसी थी, मतलब ड्रामा करना हो ना तो इसको रोल फिट हो जाए। रो रही थी, क्रंदन कर रही थी। नारद जी की महिमा जब उस देवी ने कही तो नारद जी रुक गए। लेकिन देवी, मैं आपके बारे में जानता नहीं हूं, आप कौन हो? इसने कहा, मैं प्राची। सॉरी, वो कन्या ने कहा, आप कौन हो? बोले, मैं भक्ति देवी। कौन है? मैं भक्ति देवी हूं, भक्ति महारानी। हम और आप जो भक्ति करते हैं, उस भक्ति का मूर्तिमंत स्वरूप एक कन्या के रूप में भक्ति देवी। भक्ति देवी, आप यहां क्या कर रही हो? और ये दो बूढ़े कौन है? आपके चाचा, मामा, ताऊ, ये है कौन? भक्ति देवी ने कहा, ये दोनों मेरे बेटे हैं। नारद जी का पृथ्वी पर पहला अनुभव ये था। बोले, यहां पृथ्वी पर बेटे बड़े होते, माँ छोटी होती है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप 16 साल की युवती हो और ये 60 साल के बूढ़े, और आप कह रहे हो कि ये दोनों मेरे बेटे हैं। नारद जी ने पूछा कि मामला क्या है, मुझे थोड़ा खुलकर बताओ।
तब ये वो भक्ति महारानी कहती हैं कि नारद जी, मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ। संस्कृत श्लोक में क्या लिखा? द्रविड़े अहम उत्पन्ना। मेरा जन्म द्रविड़े अहम उत्पन्ना, द्रविड़ देश में मेरा जन्म। द्रविड़ माने दक्षिण, साउथ इंडिया। आप देखोगे दक्षिण भारत में जो भक्ति फूल फल रही है वो अन्य स्टेट में कम है। ये दक्षिण वाले मूवी बनाते हैं तो भी डिवोशन भी मूवी होता है, भगवान मंदिर लुंगी। साउथ वाले ऐसे बहुत रखते हैं आज भी, पर फिर हीट जाता है। दक्षिण में भक्ति है, साउथ में भक्ति है, क्योंकि दक्षिण में भक्ति का जन्म हुआ। सो द्रविड़े अहम उत्पन्ना, भक्ति महारानी कहती है। और फिर मेरे दो बेटे हुए, ज्ञान और वैराग्य, और मैं द्रविड़ देश से, साउथ इंडिया से चलते चलते कर्नाटक की ओर गई। वृद्धि कर्नाटके गता, कर्नाटक में मेरी वृद्धि हुई, मेरा प्रोग्रेस हुआ, मैं फली फूली, मैं बड़ी प्रसन्न हुई। मेरे दो बेटे हुए, ज्ञान और वैराग्य। और फिर कर्नाटक से मैं महाराष्ट्र में आई, आमची मुंबई। मुंबई वालों ने तो भक्ति का क्या किया होगा आप समझ सकते हो। एक तो ये ट्रैफिक में परेशान हो गई होगी भक्ति महारानी। सो महाराष्ट्र में मेरा क्या हुआ? तो कहते क्वचित क्वचित महाराष्ट्र, पद्म पुराण का ये श्लोक है भागवत महात्म्य के अंतर्गत। तो बोले क्वचित क्वचित महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में कुछ कुछ लोगों ने मुझे स्वीकार किया। संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर, जनाबाई है। सो महाराष्ट्र के कुछ लोगों ने तो मुझे स्वीकार किया, लेकिन कुछ लोगों ने स्वीकार नहीं किया। फिर महाराष्ट्र से मैं वापी, वलसाड़, सूरत और गुजरात में गई। मैं गुजराती हूं इसलिए मैं बोल सकता हूं, मेरा अधिकार है। भक्ति महारानी कहती है कि जब मैं गुजरात में गई तो गुजरात वालों ने तो तोड़ दिया, ढोकला और खमन खिला खिला के मार दिया। मतलब ये लोग भक्ति नहीं किए, मुझे स्वीकार ही नहीं किए। तो क्या लिखा संस्कृत में? गुर्जरे गुर्जरे गुजराते जीर्णताम गता। गुजरात में मैं जीर्ण हो गई। आप समझ में आ गए? दक्षिण में मेरा जन्म हुआ, कर्नाटक में वृद्धि हुई, महाराष्ट्र में कुछ लोगों ने स्वीकार किया कुछ ने नहीं, लेकिन गुजरात वालों ने तो टोटल तोड़ दिया, टोटल तोड़ दिया। आप कहोगे ऐसा क्यों? नो डाउट, गुजरात राजस्थान ये सब प्रांत में, इन सब प्रांत के लोगों में श्रद्धा है। श्रद्धा माने जबरदस्त श्रद्धा है, लेकिन केवल श्रद्धा जरूरी नहीं ना, श्रद्धा के साथ ज्ञान भी होना चाहिए। यदि श्रद्धा के साथ सिद्धांत न हो तो हमारी श्रद्धा किसी बापू बाबा में चली जाती है और हमारा पतन हो जाता है। सो श्रद्धा योग्य जगह पर भी होना जरूरी है। श्रद्धा यदि योग्य, श्रद्धा के साथ शास्त्र न होना तो वो अंधश्रद्धा हो जाती है। और आज भी कई सारे प्रांत इसमें फंसे हुए हैं। सो गुजरात ने तोड़ दिया। और फिर मैंने सोचा कि अब तो मैं जीर्ण हो गई, फिर मैं सीधे वृंदावन आ गई। वृंदावन का दिव्य प्रभाव, मीराबाई ने लिखा ना, नीको नीको लगे वृंदावन, हमें तो बड़ो नीको लगे। वृंदावन में घर घर तुलसी, ठाकुर पूजा, दर्शन गोविंद जी को, हमें तो बड़ो नीको लगे। नीको माने सुंदर, अच्छा, सुहावना। सो वृंदावन में जब मैं पहुंची तो वृंदावन के प्रभाव से, वृंदावन को क्या व्रज कहते हैं, क्या कहते हैं? व्रज। अभी हम लोग कहां बैठे हैं तो थोड़ी सी कह दूं महिमा, जिनका खाएंगे उनका गुण गाएंगे, अपना तो क्या है। सो हम लोग व्रज में बैठे हैं, राइट। भक्ति महारानी वृंदावन में आई ना तो उसको पोषण मिला। क्यों? क्योंकि वृंदावन जो है व्रज है, व्रज
और संस्कृत संस्कृत अर्थ के अनुसार व्रज का अर्थ होता है व्रजम गच्छति। क्या कहते हैं? व्रजम गच्छति इति व्रजम। गच्छति माने जो चलता रहे, जो चलता रहे उसे ब्रज कहते हैं। दो प्रकार की सीढ़ी होती है। सीढ़ी आपको 25वें माले पर जाना है तो आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो सीढ़ी चढ़कर जाओ जिसमें आपको चलना पड़ेगा, आपको मेहनत पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। और दूसरी ऑप्शन है एस्केलेटर जो होता है, वो भी सीढ़ी है लेकिन उस पर केवल खड़े रह जाओ, वो सीढ़ी चलती है। राइट? दो प्रकार की सीढ़ी है। एक सीढ़ी जो है फिक्स होती है जिस पर आपको चलना है, और एस्केलेटर जो होता है वो भी सीढ़ी होती है, उस पर केवल आप खड़े रह जाओ, वो सीढ़ी चलती है। तो ब्रज जो है, ब्रज का अर्थ होता है जो चलता है। दुनिया में कहीं भी आप चले जाओगे तो आपको साधना, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन ब्रज में आप चले जाओ तो वो ब्रज चलेगा। आप सोते रहो फिर भी आपका कल्याण हो जाएगा। एस्केलेटर के ऊपर आप खड़े रह जाओ फिर सो जाओ तो भी आप 25वें माले पहुंच जाओगे, है ना? ये ब्रज की महिमा है, ये ब्रज वृंदावन की महिमा है। तो फिर कुछ लोग कहते तो ब्रज में जाकर सोते रहेंगे, है? अरे भाई, हमको बुद्धिमान बनना है। ब्रज में जब सोने से हमारी नैया पार लगती है तो ब्रज में भजन करेंगे तो क्या होगा, है? हमें ये समझना है। जब ब्रज में भक्ति महारानी पहुंची, ब्रज के प्रभाव से भक्ति महारानी जवान हो गई, लेकिन उनके बेटे ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हो गए और मूर्छित होकर गिर गए। अब क्या कहा भक्ति महारानी ने नारद जी को? ये मेरे दोनों बच्चे हैं, आप इनको जीवित कीजिए महाराज, मेरे बच्चों को जीवित कीजिए। नारद जी ने कहा रुको रुको ट्राई करता हूं। नारद जी ने उन दोनों बच्चों के ज्ञान और वैराग्य के कानों में वेदों के मंत्र बोलने लगे, एक के बाद एक वेद उपनिषद के मंत्र बोलते गए। बहुत समय बीता और आकाशवाणी हुई, नारद ब्रेक मारो भाई, वेदों के मंत्रों से इसका कल्याण नहीं होगा। यदि भक्ति महारानी के पुत्र ज्ञान और वैराग्य को जीवित करना चाहते हो तो सत पुरुषों के द्वारा सत कर्म कराओ। क्या कहा? ये मेन पार्ट है, ये सेंटेंस जो है ना बहुत मेन। ये आकाशवाणी ने कहा कि यदि इसको जीवित करना है तो वेदों के मंत्र से जीवित नहीं होंगे, सत पुरुषों के द्वारा क्या करना होगा? सत कर्म करना होगा। अब नारद मुनि चिंता में पड़े हैं, सत पुरुष कौन है और सत कर्म क्या है? नारद जी ने भक्ति महारानी को आप रुको कहा कि आप रुको, मैं थोड़ा रिसर्च करता हूं। उस समय गूगल नहीं था ना, मैं तो सीधा डाल के सर्च करते गूगल इंजन से या एआई से थोड़ा सा मिल जाता है। उस समय तो बेचारे नारद जी खुद हाथ पांव लगाकर घूमने लगे और घूमते घूमते कहां गए? बद्रीनाथ में पहुंचे। वृंदावन से हरिद्वार चार धाम करते बद्रीनाथ में पहुंचे और बद्रीनाथ में एकदा तु विशालायम चत्वार पुरुषो मला, ब्रह्मा जी के प्रथम चार पुत्र सनक सनातन सनंदन ये सनत कुमार विशालायम बद्रीनाथ धाम में विचरण कर रहे थे और ददृशु तत्र नारदम, और नारद जी के साथ उनका मिलन हुआ। अच्छा, वो लोग वहां क्यों विचरण कर रहे थे? सत्संगार्थम समायातम, ये सनत कुमार सोच रहे थे कि कोई अच्छा आदमी मिल जाए तो हम सत्संग करेंगे। ये सनत कुमार कौन है? जिन्होंने भगवान को देख लिया है, जो भगवान को पा गए हैं। भगवान प्रसन्न हुए और सनत कुमारों को कहा कि आपको जो चाहिए मांगो। इन्होंने कहा कि हम बच्चे ही बने रहे ऐसा आशीर्वाद दीजिए, तो तब से वो बच्चे ही है, मुक्त जीव है। लेकिन मुक्त जीव होकर भी उनके विषय में क्या लिखा? सत्संगार्थम समायातम, सत्संग करने के लिए बद्रीनाथ में विचरण कर रहे थे।
कौन थे? वो मुक्त जीव थे। आजकल क्या होता है, ये पोदार परिवार ने अनेकों लोगों को निमंत्रण दिया होगा, बहुत अच्छी भागवत कथा है, बहुत अच्छे वक्ता हमने बुलाए हैं, रिक्शा में बैठकर नक्की किया है हमने, तो आप कथा में अवश्य आइए। तो कुछ लोग तो आते हैं जैसे आप लोग आए, लेकिन कुछ लोग फिरेल दिमाग के होते हैं, हम क्यों कथा में आए, हमने थोड़ी पाप किया है, हमने कोई पाप नहीं किया है कि हम कथा में आए। मतलब कुछ लोग का माइंडसेट क्या होता है कि जो पापी होते हैं वही कथा सुनते हैं, ये सब पापी बैठे हैं, हमने तो कोई किसी का गलत नहीं किया, हमने तो पाप नहीं किया, मतलब जो पापी है अपराधी है वो कथा सुनते हैं, ऐसा नहीं है। जो मुक्त जीव है, जो जो भगवान को पा चुका है, ऐसे सनत कुमार भी सत्संगार्थम सत्संग खोज रहे हैं, कहीं सत्संग नहीं है। और ददृशु उस समय उनको नारद जी का दर्शन हुआ, तो दूर से दिखा, ओ नारद जी, चलो नारद जी के साथ सत्संग करेंगे, लेकिन नारद के निकट पहुंचे तो नारद जी चिंता में, नारद जी दुखी दुखी, वो कहते हैं कि हे नारद जी, आप इतनी चिंता में हमको दिखाई दे रहे हो, कोई लोभी आदमी हो और उसका सारा धन लेकर के उड़ जाए और फिर वो जितनी चिंता करता है, आप इतनी चिंता में हो। सो नारद जी, आपकी चिंता का कारण, नारद जी ने वो पूरी स्टोरी बताई, मैं वृंदावन गया था, मुझे प्राची माता मिली थी, सॉरी वो भक्ति माता मिली थी, दुखी थी, ज्ञान वैराग्य मूर्छित थे, पर मैंने वेदों के मंत्र पढ़े, लेकिन आकाशवाणी हुई सत्पुरुषों के द्वारा सत्कर्म कराओ, तो अब मैं खोज रहा हूँ कोई सत्पुरुष मिल जाए, और वो सत्कर्म किसे कहते हैं वो मैं जानना चाहता हूँ, लेकिन है सनकादि को आप लोग मिल गए, अब आप मुझे बताइए सत्कर्म क्या है, सत्कर्म माने इस दुनिया का टॉप मोस्ट कर्म क्या है। दुनिया में तो क्या है, बंदा यही सोचता है कि मैं जो कर रहा हूं यही टॉप मोस्ट काम है, हम लोग इतना अहंकार लेकर चलते हैं कि हम लोग सोचते हैं क्या है? लेकिन सबसे अच्छा काम किसे कहते हैं, जिससे अपना भी भला हो और सबका भला हो। कोई पुलिस वाला कहे कि भाई पुलिसगिरी करना, चोर को पकड़ना, ये सबसे अच्छा काम है, अच्छा काम जनता के लिए अच्छा है, पुलिस के लिए अच्छा है, लेकिन बेचारा चोर तो गया ना, मतलब सबके लिए तो अच्छा नहीं हुआ ना, कुछ तो रह गया। वैसे कोई डॉक्टर कहे, इंजीनियर कहे, ये सब लोग कर्म करते हैं, वो सबके लिए अच्छा नहीं होता, ऐसा कौन सा कार्य है जो सबके लिए अच्छा हो, जिससे सबका कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिनाम, कौन सा कार्य? तब सनकादिको ने कहा, बहुत सारी बातें हुई, लेकिन अल्टीमेटली लास्ट में यह कह दिया कि इस दुनिया में केवल एक ही सत्कर्म है, सबसे श्रेष्ठ सबसे अच्छा कार्य है श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करना। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करना और कराना इस दुनिया में सबसे बड़ा सत्कर्म है, क्योंकि इस कार्य में सबका कल्याण होता है, कथा आयोजन करने वाले का कल्याण, कथा सुनने वाले का कल्याण। मैं तो कहूं कि आप जिस ऑटो रिक्शा बस ट्रेन में बैठकर आए, वो रिक्शा चलाने वाले का भी कल्याण, वो भले नहीं जानता है, भागवत से जुड़े हुए सभी लोगों का कल्याण। मैं कभी कभी सोचता हूँ ये माइक का कितना कल्याण होता होगा, आज हमारी हाँ में पड़े हो जाए, ये 25 साल से मेरे साथ दुश्मनी निकाल रहा है, मेरे सामने ऐसे बैठा है, लेकिन ये कितनी कथा सुना होगा, ये पहले से यही है, इसने बदला नहीं है, सबका कल्याण। तो भागवत कथा एक ऐसा कार्य है जिससे सबका कल्याण, यदि भागवत कथा का आयोजन हो तो ज्ञान और वैराग्य जीवित हो सकते हैं, भागवत का आयोजन करो। तब नारद मुनि तुरंत वहीं पर
बोले आप भागवत कथा करोगे हैं? क्योंकि आपसे बड़े सत्पुरुष मुझे कहां से मिलेंगे, कृपया करके आप कथा। सनकादिकों ने कहा लेकिन उसके लिए ऑर्गेनाइजर चाहिए, उद्धार परिवार है ना। बोले ऐसा साधारण ऑर्गेनाइजर, ये भागवत की मैं बात कर रहा हूँ, श्लोकों में सब लिखा है, मैं सरल भाषा में आपको कह रहा हूँ। इन्होंने कहा कि देखो कथा सुनने के लिए श्रोता चाहिए, माने श्रोताओं के कान चाहिए। चिंता मत करो, अपना मीडिया बहुत पावरफुल है। नारद से बड़ा मीडिया कौन है बताइए है? वहां सती दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जलकर राख हुई, विद इन आधी सेकंड में तो शिव जी के पास पहुंचे। क्या बैठे बैठे हरिनाम जप कर रहे हो, वहां तुम्हारी पत्नी मर गई है? शिव जी को पूरा उपसा दिया। सब बोले अपने से बड़ा मीडिया कौन है? चिंता मत करो, श्रोताओं के कान आ जाएंगे। सनकादिकों ने कहा भागवत कथा के लिए श्रोताओं के कान ही नहीं, उसके साथ साथ होना चाहिए श्रोताओं का ध्यान। कई बार क्या होता है, 60-70 किलो की काया हम यहां लाकर बिठा देते हैं, काया यहां पर है, मन तो ऑफिस में है, मन दुकान में है, मन हमारी फेवरेट टीवी सीरियल में है। तो बोले इसकी भी चिंता मत करो, मैं ऐसे श्रोता बुलाऊंगा जो श्रोताओं के कान भी आपके सामने होंगे, उनका ध्यान भी होगा। ठीक, अब रेडी, अब आप कथा करोगे? बोले रुको रुको, और एक चीज की कमी, श्रोताओं के कान साथ ही साथ श्रोताओं का ध्यान, इतने से भी नहीं चलेगा, उसके साथ होगा गान। बिना गीत गाए कथा होती है? देखो कितना सुंदर बज रहा है, ये जो बज रहा है उसमें आपको कोई तकलीफ है? मुझे भी तकलीफ नहीं है, लेकिन तीसरे को बड़ी तकलीफ है। सो श्रोत साथ ही साथ श्रोताओं के कान, श्रोताओं का ध्यान, और उसी के साथ गान होना चाहिए। नारद जी ने कहा हो जाएगा, गान भी हो जाएगा। और आपकी कोई रिक्वायरमेंट? बोले इतने से भी नहीं चलेगा, कथा के बाद सबके लिए खान, खान प्रसाद। और तू फक्कड़ बाबा कहां से ये सब आयोजन करेगा? मतलब नारद जी तो सन्यासी है ना, तुम कहां से ये सब आयोजन करो? कोई नारद जी का चिंता मत करो, अपनी बहुत पहचान है, बहुत सुंदर प्रसादम की व्यवस्था करूंगा। ये लाडली राधा माता ने कितना प्रसाद अच्छा खिलाया। अब पता नहीं पोदार परिवार का क्या है कथा, डेढ़ घंटे के बाद पता चल जाएगा है? लेकिन अच्छा ही होगा। लेकिन जब कथा के बाद इतना अच्छा प्रसाद होता है ना, तो कुछ लोग बहुत जलते हैं, और जलते जलते बात करते हैं ये सब खिलाने की क्या जरूरत है, इतना पैसा वेस्ट करने की क्या जरूरत है। थाली वो पहले हाथ में पकड़ता है, वो तो राह देखकर बैठा है कि कब ये हरे कृष्ण बोले हम बाहर जाएं। खाते खाते खैर, लेकिन प्रसाद प्रसाद होना चाहिए। नारद जी ने कहा ये सब कुछ हो जाएगा, आप तुरंत चलिए। इसने कहा क्या क्या कहा? श्रोताओं के कान, श्रोताओं का ध्यान, गान, खान, खान। बोले स्थान तो नक्की करो, बिना स्थान के कहां हवा में कथा करोगे? नारद जी ने कहा एक बहुत बढ़िया स्थान है जुहू में, वो जो फेमस है ना, उसके घर के सामने। हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर आनंद वन है, उस आनंद कानन में महाराज चार चार व्यासपीठ लगाऊंगा, आप कथा गाएंगे, और बड़े बड़े देवता और संसार के ऋषि मुनि आएंगे और हम कथा सुनेंगे। बोले ठीक है, तारीख पक्की हो गई, 18 दिसंबर, 18 ही है ना? हाँ। और तारीख नक्की हो गई, व्यासपीठ लगी, श्रोताओं को निमंत्रित कर दिया, सब लोग कथा में आ गए, और सनकादिक व्यासपीठ के ऊपर विराजमान हुए, और सनकादिकों ने भागवत कथा प्रारंभ की। कैसे? राम
गिरधारी श्याम बनवाए। संकादिकों के द्वारा भागवत कथा हो रही है और यजमान नारद जी इतना पता चलते ही तत्रोप जगमुम भुवनम पुनाना महानुभावा मुनियस शिष्या संसार के समस्त ऋषि मुनि अत्रि वशिष्ठ अरिष्ट नेमी भृगु अंगिरा शरदवान एक से एक ऋषि मुनि अपने शिष्यों को साथ में ले लेकर उस भागीरथी के तट पर संकादिकों की व्यासपीठ के निकट आकर बैठने लगे। हजारों लाखों ऋषि मुनि आ गए। यहां तक कभी नहीं मरने वाले देवता भी आकाश से आकर उस सभा में बैठे। केवल भागवत कथा का आयोजन हुआ है, शुरू नहीं हुई। केवल आयोजन हुआ, इनविटेशन भेजा गया। वृंदावन में क्या हुआ? भक्ति महारानी दुखी थी और उनके पुत्र ज्ञान और वैराग्य मूर्छित हो चुके थे, ऑलमोस्ट मर चुके थे, लेकिन उनके कानों में गया कि हरिद्वार में भागवत हो रही है। दोनों जीवित हो गए, दोनों खड़े हो गए। ज्ञान और वैराग्य भक्ति महारानी के एक एक उंगली को पकड़कर वृंदावन से चलते हुए हरिद्वार में पहुंचे। ऋषि मुनि देवता गंधर्व किन्नर चारण विद्याधर यक्ष सब के बीच में भक्ति ज्ञान और वैराग्य आकर बैठे और यहाँ पर भागवत प्रारंभ हुई। मेरो राधा रमण गिरिधारी तो भागवत कथा सुनिए। आप लोगे प्रमाण क्या है? लाल गोविंद दास 15 साल पहले का मुझे देखो और आज देखो। बुढ़ापा आए दुश्मन को, भागवत कथा जवान कर देती है, जवान कर देते हमारे शिल प्रभुपा। 70 साल की आयुष्य, 70 साल की उम्र और वृंदावन में, आज तो 70 साल में या हॉस्पिटल में होते हैं या मरण शैया पर होते हैं। इसने 70 साल में तो शुरू किया और भागवत हाथ में लेकर चले और पूरे विश्व में भागवत का डंका बजाया। भागवत जवान कर देता है। भक्ति महारानी के पुत्र ज्ञान और वैराग्य जो मूर्छित थे, बूढ़े थे, धीरे धीरे उनका ज्वर दूर हुआ और जैसे जैसे भागवत आगे बढ़ने लगी उनकी जवानी आने लगी, धीरे धीरे जवान होने लगे। Oh,
गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है अब क्या हुआ अब क्या हुआ सुनिए आप मुझे दो मिनट दीजिए बाद में सबको नाचना है ठीक है अब क्या हुआ श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ हुई केवल भागवत कथा का इनविटेशन सुनकर ज्ञान और वैराग्य जीवित हुए और जब भागवत कथा में आकर बैठ गए जैसे जैसे कथा सुनते गए वैसे वैसे उनका बुढ़ापा दूर हुआ जवान होने लगे और 7 दिन जब भागवत कथा सुन लिए हैं भागवत कथा के अंत में भागवत कथा के अंत में महासंकीर्तन होता है 7 दिन भागवत कथा सुनकर तो पूर्ण रूप से जवान हो गए और भागवत कथा के अंत में महासंकीर्तन हुआ पद्म पुराण में व्यास जी लिखते हैं कि उस महासंकीर्तन में इंद्र विष्णु प्रकट हो गए यहां पर भी भगवान विष्णु आए तो जगह दे दीजिए स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए महासंकीर्तन और महासंकीर्तन प्रश्न हुआ अब ध्यान से सुनिए थोड़ा रोचक है थोड़ा सा आवाज कम शुरू रखिए आप अब लॉजिक आप समझिए जो जो बड़े विनम्र थे वो तो नीचे बैठे थे कथा में जैसे यहां पर बैठे जो ऊंचे ग्रेड के थे वो प्लास्टिक की चेयर पर बैठे थे जो उसके ऊपर वाले ग्रेड के थे वो नरम नरम सोफे पर बैठे थे ये तो भाई ग्रेड होता है ना इसी से समझ में आता है और सनकादिक लोग व्यासपीठ पर बैठे थे मतलब सारे क्लास की जो बैठने के आसन थे वो सब फुल हो चुके थे भगवान को कहाँ बिठाया गया कोई सोफा पकड़ कर बैठा था कोई चेयर पकड़ कर प्रभु के लिए तो उच्च आसन होता है ना सबसे हायर क्लास का होता है प्रभु को कहाँ बिठाए सब लोग यहाँ वहां से अरे भगवान को कहाँ बिठाए भगवान को कहाँ बिठाए पहली बात तो भागवत कथा 7 दिन समाप्त तो होते होते भगवान प्रकट हो गए लेकिन अब भगवान को बिठाए कहाँ तब भगवान ने कहा भाई मुझे बैठना कहाँ है ये तो बताओ तब वहां पर भक्तों ने मिलकर कहा कि प्रभु यहाँ तो कोई स्थान नहीं है लेकिन आज के बाद आपकी जो भागवत कथा सुनता है उसके हृदय में आकर आप बैठ जाओ
जो भागवत कथा सुनेगा उसके दिल में बैठ जाऊं, बोले हाँ प्रभु जी ऐसा। रुको रुको आप खड़े ही रहो, भगवान ने कहा तब तो लोचा होगा। भागवत कथा सुनने के लिए तो हजारों लोग आते हैं, लेकिन आकर कथा में सो जाते हैं, केवल प्रसाद की थाली पर जगते हैं। उसके दिल में बैठकर क्या करूं? भगवान ने कहा मैं एक बात बीच का रास्ता निकालता हूं कि जो भागवत कथा सुनेगा और भागवत कथा सुनते हुए खड़े होकर कीर्तन करेगा उसके हृदय में बैठूंगा। अब आपके ऊपर है, खड़े होकर थोड़ी देर नाच लीजिए और प्रभु का आगमन कर लीजिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा से पहाड़ में
हमारे हरि कीर्तन में हो राधे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो 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 गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो ए राधा रमण हरि गोविंद बोलो ए राधा
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम बाव दे हे जय जय प्रभुपाद प्रभु प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद प्रभु प्रभुपाद नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे एवरीबॉडी आर रिक्वेस्टेड टू कैंडी सेटल डाउन सो दैट वी कैन बिगिन द कथा हरे कृष्णा नमस्ये पुरुषम द्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम अलक्षं सर्वभूतानां अंतर बहिर्वस्थितं अंतर बहिर्वस्थितं हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे इस प्रकार श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करके श्री भक्ति देवी और उनके दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य का उद्धार हुआ। शिक्षा यही है कि यदि हम और आप भागवत का आश्रय ग्रहण करें, भागवत कथा का श्रवण करें, तो निश्चित ही हमारे हृदय में भक्ति ज्ञान और वैराग्य का जन्म होता है। इस संसार में केवल एक ही कार्य ऐसा है जिसको करने से तीन वस्तु एक साथ मिलती है, भक्ति ज्ञान विरागाणाम विवेक वर्धते महान। भक्ति ज्ञान और वैराग्य भागवत से प्राप्त होता है, क्योंकि भागवत भगवान का स्वरूप है और क्योंकि भगवान का स्वरूप है
इसलिए भागवत जी की जो कथा है बड़ी रसमयी है। भागवत जी की कथा में एक चमत्कारिक सुख है, एक आनंद है, और ऐसा आनंद है, ऐसा आनंद है कि जो संसार के सारे दुख दारिद्र्य सारी मगजमारी से मुक्त होकर ब्रह्मानंद का सुख ले रहे थे, ऐसे सुखदेव गोस्वामी को भागवत के सामने ब्रह्मानंद का सुख भी तुच्छ लगने लगा। ब्रह्म आनंद भी भागवत के आनंद के सामने तुच्छ है, और इसीलिए कहा गया आत्म रामश्च मुनियो निर्ग्रंथा अपि उरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतु किं भक्ति इत्थं भूत गुणो हरि। हरि के गुण भागवत की कथा ही कुछ ऐसी है कि बड़े बड़े लोगों को विरक्त बना देती है, हृदय में भक्ति प्रकट कर देती है, संसार के प्रति वैराग्य प्रकट करा देती है। सो ऐसी दिव्य भागवत कथा पोद्दार परिवार के द्वारा आयोजित हम सब श्रवण कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत जी के तो बहुत सारे महात्म्य हैं, 7 दिन केवल महात्म्य की कथा हो सकती है, केवल महात्म्य 7 दिन। और एक इतिहास ऐसा भी रहा, आत्मदेव नाम के ब्राह्मण तुंगभद्रा नदी के तट पर रहते थे और पत्नी उनकी थी जिसका नाम था धुंधली। कोई संतान नहीं हुई तो आत्महत्या करने चले गए। एक तेजस्वी सन्यासी ने हाथ पकड़ा, भाई मर क्यों रहा है, इतना सुंदर मनुष्य जीवन मिला है, ऐसे ही गवा देगा। बोले आप लोग जानते नहीं मेरे जीवन में कितना कष्ट है, दुख है। क्या दुख है? मुझे संतान नहीं है महाराज। और संतान नहीं होने का कष्ट उसे पता होता है जिनको संतान नहीं होती है। मेरे सामने कोई देखता नहीं, मेरे सामने कोई बात नहीं करता, मुझे देखकर लोग अपना मार्ग बदल देते हैं। मैं इतना अपवित्र हूं कि घर पर जो भी सब्जी लाता हूं, फल फ्रूट लाता हूं, लाते ही सड़ जाते हैं। इसे तो अच्छा मैं आत्महत्या कर लूं, मुझे मरने दीजिए। उस सन्यासी ने कहा कि भाई तू कितनी बार मरेगा? क्यों? क्योंकि इस जीवन में नहीं, तेरे 7 जन्म में तुझे संतान नहीं है, तू 7 जन्म तक बाप नहीं बन सकता, कितनी बार मरेगा? ब्राह्मण बुद्धिमान था, बोले ये मेरे 7 जन्म की जान सकता है तो बच्चा भी दे सकता है। आत्मदेव ब्राह्मण पलटी मार दिया यार, सीधा सन्यासी के चरणों में दंडवत किया कि महाराज अब आप ही मुझे संतान दीजिए, और यदि आप मुझे संतान नहीं दोगे तो आपके चरणों में दम छोड़ूंगा, मेरे मरने का दोष आपको लगेगा। इसे कहते हैं मान न मान, ये यहां से शुरू हुआ है। ये बेचारे गए थे नेकी करने, किसी को बचाने, सन्यासी क्या करते, एक मंत्र अभिमंत्रित करके एक फल प्रदान किया, घर जाकर अपनी पत्नी को दे दिया। पत्नी भी कैसी थी? आप लोग जैसी तो नहीं थी, आप तो महान। पत्नी भी पत्नी थी। फल हाथ में लेकर सोचती है कि ये खा लूंगी, प्रेग्नेंट हो जाऊंगी, पेट बढ़ जाएगा, फिर कितना डाइटिंग करना पड़ेगा, मेरे फिगर का क्या होगा, प्रसव की वेदना होगी, न जाने सोचने लगी। उनकी सखी आई, बोले बहन तू चिंता में? बोले पति फल देकर गए, प्रेग्नेंट हो जाऊंगी, मुझे चिंता है। और उसकी सखी भी वैसी थी,
लोगों को मिल ही जाते हैं अपने टाइप के अपने अपने टाइप के मिल ही जाते हैं। बोले सखी ये सब फल वल सब झूठे होते हैं, तुझे तुझे चिंता प्रेग्नेंट की है ना, तो मेरे भी पेट में बच्चा है, मेरे पति को समझा दूंगी, जन्म होते ही तुझे दे दूंगी। सखी ने कहा लेकिन ये फल का क्या करूं, ये सब झूठे होते हैं, काम करे गाय को खिला दे, तेरे घर में जो गाय है उसको खिला दे। गाय को फल खिला दिया, 9 महीने के बाद सखी के वहां बच्चे का जन्म रातों रात इनके पास पहुंचाया और इसने अपने पति को कहा कि ये मेरा बेटा है। आत्मदेव ब्राह्मण ने अपने बेटे का नाम रखा राम या श्याम ऐसा कुछ। पत्नी ने कहा नहीं नाम तो मैं ही रखूंगी, हाँ क्या चिंटू पप्पू अपना ड्राइवर है ना, पप्पू ड्राइवर पप्पू, ये आप लोगों की जानकारी पप्पू ने ही दी मुझे सब, मैं उनसे ही सब पूछ कर आया, मुझे थोड़ी कोई पता था कि ससुर जी का नाम क्या है, माता जी का क्या है, बच्चे क्या है, वो सब मैं उसी से जाना, वो आज मेरा गुरु बन गया पप्पू। मैं बोला ये लोग रिक्शा में भी सफर करते हैं, हाँ प्रभु जी ये लोग का कभी रिक्शा में, फिर मैं कंफर्म कर रहा था रिक्शा में आप ही थे ना। खैर तो धुंधली ने कहा कि इसका नाम मेरे नाम से हम रखेंगे, मेरा नाम धुंधली है तो मेरे बेटे का नाम धुंधुकारी। तो आत्मदेव ब्राह्मण का इस बेटा धुंधुकारी हुआ और गाय को जो फल खिलाया था तो उससे मनुष्य संतान उत्पन्न हुआ, कान गाय जैसे थे, नाम रखा गोकर्ण। कथा आप सब जानते हैं, विस्तार न करें, संक्षिप्त में इतना कि धुंधुकारी महापापी हुआ, बहुत पाप किया, पिताजी की सारी संपत्ति को उड़ा दिया और गोकर्ण महाभागवत तीर्थाटन करते। गोकर्ण को पता चला, पिताजी को उपदेश दिया, वन में चले गए, भागवत का पाठ करके भगवान को प्राप्त हो गए और यहां पिताजी के जाने के बाद 5 वेश्या नृत्यांगना को अपने घर पर लाया। धुंधली कुएं में गिरकर आत्महत्या कर लेती हैं और ये घर पर रहता है। एक दिन बहुत बड़ी चोरी करके घर पर लाया और नृत्यांगनाओं ने सोचा कि ये सारा माल हम लोग लूट लेंगे। गोकर्ण धुंधुकारी के मुख में गरम गरम कोयले डालकर उसे तड़पा तड़पा कर मार दिया और ये वेश्या सारा धन लेकर चली गई। अब इसकी नेचुरल डेथ नहीं थी, कमौत हुई थी, मतलब जो ब्रह्मा जी ने लिखा था वो तो नहीं। तो उसके जीवन में जितना भी समय बचा वो प्रेत बना। क्या बना? क्या बना? प्रेत। प्रेत बना और उस प्रेत योनि में बड़ा कष्ट हो रहा था। वहां गोकर्णों को पता चला तो गया में जाकर श्राद्ध किया। कुछ दिन के बाद घर पर आए, एक दिन घर पर सोए थे तो भयंकर आवाज सी होने लगी, हाथ में गंगा जल लेकर अभिमंत्रित करके छिड़का, बोले आप हो कौन ये तो बताओ। तब वो प्रेत बोला कि मैं तुम्हारा भाई हूं, मेरी कमौत हुई है, मैंने पाप किए हैं, मेरी दुर्गति हुई है, मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है भैया, मेरा कल्याण, मेरा यहां से उद्धार करो। गोकर्ण ने कहा लेकिन मैंने तो तुम्हारे लिए गया में जाकर श्राद्ध किया था, बोले मैंने इतने पाप किए हैं कि एक नहीं गया में जाकर 100 श्राद्ध करोगे फिर भी मेरा उद्धार नहीं होगा भाई, मेरा कुछ करो, मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। तब गोकर्ण अपने गांव के ब्राह्मणों के पास गए, कहा कि जिसने जीवन भर पाप किया हो, मरने के बाद प्रेत बना हो, उनका उद्धार करने के लिए क्या करें। ब्राह्मणों ने अपने पोथी पत्रा खोलकर बहुत देखा पढ़ा,
लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। बोले इसका जवाब तो भगवान भास्कर ही दे सकते हैं, सूर्य देवता, क्योंकि भगवत गीता के चौथे अध्याय में सीधा लिखा कि कृष्ण ने जो अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, यही गीता का ज्ञान सबसे पहले इमं विवस्वते योगम, विवस्वान सूर्य देव विवस्वान को दिया था। और विवस्वान मनवे प्राहो मनु इक्ष्वा कवे ब्रवीत, तो परंपरा में यह ज्ञान, लेकिन पहले विवस्वान को, सूर्य देवता ज्ञानी है, इसका जवाब सूर्य देवता दे सकते हैं। गोकर्ण तो गोकर्ण ठहरे, उन्होंने अपनी भक्ति के बल से सूर्य देवता को प्रकट कर दिया, भगवान भास्कर प्रकट हो गए। बोले मेरे भाई का उद्धार जैसा भी था, मेरा भाई था ना, वो प्रेत बना है, उसका उद्धार करने के लिए मुझे कुछ। सूर्य देवता ने कहा जीवन भर जिसने पाप किया है और मरने के बाद कमोत हुई और कमोत के बाद वो प्रेत बना है, ऐसे पापी प्रेत का उद्धार केवल एक ही कार्य से हो सकता है। भागवत जी में लिखा श्रीमद् भागवत सप्ताह श्रवणम कुरु, 7 दिन श्रीमद् भागवत सप्ताह का श्रवण करोगे तो आपका और आपके प्रेत बने हुए भाई दोनों का उद्धार हो जाएगा। सूर्य देवता ने यह उत्तर दिया और सूर्य देवता चले गए। यहां गांव वालों ने कहा कि सूर्य देवता ने बहुत अच्छी बात बताई और हमारे पितृ भी इस प्रकार से, हमारे पितृ इतने अच्छे थोड़ी थे, गांव वालों ने कहा, वो भी इसी टाइप के थे। तो एक काम करते हैं, हम सबका समूह आयोजन करते हैं, हम लोग आयोजन करते हैं और गोकर्ण महाराज आप तो भागवत जानते हैं, आप भागवत कथा पढ़ो और हम लोग आयोजन करते हैं। पूरे गांव वालों ने आयोजन किया, लगभग ऐसा ही आयोजन था, चकाचक। गोकर्ण महाराज व्यासपीठ पर बैठे, वहां पर 7 गांठ वाला एक बंबू गाड़ा गया और धुंधुकारी प्रेत वहां आकर उस बंबू में बैठ गया। कथा प्रारंभ हुई, जैसे ही 1 दिन कथा समाप्त हुई प्रथम ग्रंथि टूट गई, उस बांस की प्रथम गांठ। दूसरे दिन की कथा के अंत में दूसरी ग्रंथि टूटी, तीसरे दिन की कथा में तीसरी ग्रंथि। हम सबके जीवन में 7 ग्रंथि है, भागवत सुनने से ये ग्रंथियां टूटती है, छूटती है। और जब 7वें दिन कथा समाप्त पूर्णाहुति का समय आया तो आकाश से एक दिव्य विमान प्रकट हुआ, धरती पर उतरा नंद सुनंद भगवान के पार्षद और उस बांस को फाड़ कर धुंधुकारी पार्षद रूप धारण करके प्रकट हो गए। शंख चक्र गदा पद्म पीताम्बर धारण किए हुए वो प्रेत धुंधुकारी प्रकट हुआ और भगवान के पार्षदों ने कहा कि हे धुंधुकारी प्रभु, गांव वाले परेशान, ये प्रभु कहां से बन गया? हे महाराज आप विमान में बैठो, हम आपको वैकुंठ ले जाने आए हैं। धुंधुकारी विमान में बैठा और जैसे विमान टेक ऑफ होने लगा गांव वालों ने विमान को पकड़ लिया, रुको रुको रुको, डोनेशन हमने भी दिया है, हम भी स्पॉन्सर है और ये तो मुफ्त का जा रहा है, इसने तो कुछ नहीं किया, हम लोग ने सहयोग दिया, सेवा की, हमको आप विमान में नहीं बिठाओगे और धुंधुकारी को केवल लेकर जाओगे, ऐसा अन्याय अधर्म। उस भगवान के पार्षदों ने बहुत सुंदर बात कही कि देखो कथा तो आप लोगों ने भी सुनी है और कथा धुंधुकारी ने भी सुनी है, लेकिन सुनने सुनने में बड़ा अंतर है, बड़ा अंतर है। ये धुंधुकारी बहुत दुखी था, बहुत दुख दर्द देख चुका था, इसलिए वो जब कथा सुन रहा था तो ध्यान से सुन रहा था। तो बड़े ध्यान से कथा सुन रहा था और आप लोग काया तो कथा में थी लेकिन मन माया में था। आपने सीट पकड़ के रखी थी, ऐसे रुमाल हम लोग ट्रेन में रखते, ऐसे रखा था लाडली जी, देखो उसके हस्बैंड गोठवाए दिया बाजू में।
शायद सो आपकी काया थी लेकिन मन तो माया में था। दूसरा, ये धुंधुकारी कथा सुनने के बाद, कथा तो 3 घंटे होती थी, बाद में तो कथा नहीं होती थी, लेकिन कथा सुनने के बाद धुंधुकारी कथा का स्मरण करता था कि आज कथा नहीं। और गांव वालों, आप लोग क्या करते थे, फलानी आज रेड कलर डालकर आई थी, वो येलो पहन कर आई थी, उसने ये किया, उसने वो किया, तो गांव की चर्चा, दुनिया भर की चर्चा, संसार वार्ता। आप लोग संसार की वार्ता कर रहे थे। और तीसरा बहुत समझने लायक है कि धुंधुकारी 7 दिन कथा सुना तो 7ों दिन कथा एक आसन से सुना। एक आसन माने एक स्थान पर बैठकर है। और आप लोग आज यहां बैठते, कल वहां बैठते, परसों वहां, परसों वहां, वक्ता भी कंफ्यूज होता है, कल जो यहां बैठी थी वो कहां है, वो ढूंढता है, है? मतलब वो एज ए श्रोता के रूप में है। कल जो यहां काका बैठे थे वो तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, काका पीछे होते हैं। तो एक आसन पर बैठने की महिमा है, एक आसन से। ये साइंस, ये विज्ञान है। अभी जो आज आपको सीट मिल गई है ना, 7 दिन उसी सीट पर बैठिएगा। और दूसरों को भी कहूं कि दूसरे की सीट, एक किस्सा कुर्सी का जो है ना, है? दूसरे की सीट पर बैठने का, ये थोड़ा सा यहाँ मामला संभल कर रखिएगा। कुछ लोग इसलिए कीर्तन में खड़े नहीं होते कि मैं जाऊंगी तो सर बैठ जाएगी, फिर मैं कहाँ चली जाऊंगी। आप लोग चिंता मत करो, मैं अभी से बता देता हूँ कि जो लोग जहाँ बैठे हैं लगभग उस चेयर पर होंगे तो अच्छा है। एक आसन पर एक नियम से बैठना। सो व्रत लेकर कथा सुनी थी, पर आप लोगों ने कोई व्रत नहीं था, इसलिए धुंधुकारी धाम में जाने के योग्य हैं, आप लोग नहीं हैं। धुंधुकारी गए और फिर तो कथा है कि गांव वालों ने सोचा कि ले बड़ा लॉस हो गया, हा? कथा सुनी लेकिन कल्याण नहीं हुआ, हा? बोले अब दूसरी बार कथा सुनते हैं, अब तो ध्यान लगाकर मन से, व्रत से, एक आसन से कथा सुनने लगे। एक आसन से कथा, हम लोग तो एक सत्र में कितने आसन बदलते हैं, कभी ऐसा नहीं, कभी इतना झुक जाते हैं। रामदेव बाबा यहाँ आए ना, या यदि ये टीवी में आपको देखे ना, वो भी कंफ्यूज हो गए कि इतना आसन तो मैं भी नहीं जानता जितना ये भागवत के श्रोता जानते हैं। हम लोग इतने आसन तो कथा में 3 घंटे में बदल देते हैं। तो एक आसन से बैठकर कथा सुनने की महिमा है, उसे मन लगता है, लेकिन हमारा अभ्यास नहीं होने के कारण हम बैठ नहीं पाते, धीरे धीरे वो अभ्यास बन जाता है। सो गांव वालों ने बड़े ध्यान से चिंतन मंथन करके कथा सुनी, और पद्म पुराण में वर्णन है कि जैसे भगवान राम साकेत जाते समय पूरी अयोध्या को अपने साथ लेकर गए थे, वैसे ही जब भागवत की पूर्णाहुति हुई, आकाश से हजारों विमान आए और पूरा गांव का गांव वैकुंठ को प्राप्त हो गया। श्रीमद भागवत एक ऐसा साधन है, साधन एक, लेकिन एक साधन से लाखों का उद्धार हो सकता है। केवल भागवत एक ऐसा साधन है, बाकी तो अकेले आए अकेले जाना पड़ेगा। भागवत एक ऐसा साधन है जिसे एक साथ हजारों का उद्धार और कल्याण, ऐसे पवित्र भागवत को हम सब श्रवण करने के लिए। सुखदेव जी जब ये भागवत कहने लगे, हैं, परीक्षिते कथा वक्तुम सभाया संस्थिते मुने, तो सुधा कुंभ ग्रहित देवा तत्र समागत, कभी नहीं मरने वाले देवता भी सुखदेव जी की सभा में भागवत सुनने आ गए। और हम लोग कभी भी टपक जाएंगे, कभी भी, कहीं भी, कैसे भी,
जब कभी नहीं मरने वाले देवता भागवत सुनते हैं तो कभी भी मरने वाले मनुष्य भागवत क्यों नहीं सुनेंगे? ऐसे पवित्र भागवत की कथा हम सब लोग सुन रहे हैं और आज भागवत महात्म्य और कुंती स्तुति हमें सुनना है। आप विचार तो करो, भागवत ने कितना बड़ा न्याय किया। भागवत का न्याय अद्भुत है। रोज कुछ नई चेतना, मन में कुछ नए विचार, कुछ नई उमंग आती है। आज एक मैंने कभी ये निवेदन नहीं किया, मैं प्रथम बार कर रहा हूं। इस ग्रंथ का न्याय देखो आप। जहां लोक में संसार में स्त्रियों का शोषण होता है, जहां स्त्रियों को अबला कहा जाता है, जहां स्त्रियों को पीछे रखा जाता है, जहां यह कहकर स्त्रियों को दुत्कारा जाता है कि इसे कोई बुद्धि नहीं है, जहां हंसी मजाक के जोक भी स्त्रियों के ऊपर बनाए जाते हैं, ये तो अच्छा है माताएं सहन कर लेती हैं है? कि चलो हमारे नाम से बंदा तो खुश हो रहा है, खुश होता रहे। लेकिन उस परिस्थिति में भागवत कितना बड़ा न्याय। श्रीमद् भागवत में आपने सुना होगा अनेकों स्तुति है, पितामह भीष्म के द्वारा स्तुति, काली नाग की पत्नियों के द्वारा स्तुति, वित्रासुर की स्तुति, ब्रह्मा की स्तुति, शिव की स्तुति, अनेकों स्तुति। लेकिन श्रीमद् भागवत जी में सबसे प्रथम सर्वप्रथम स्तुति एक स्त्री के द्वारा रखी गई है। आप जानते हो श्रीमद् भागवत तो भक्तों का चरित्र सुनाता है ना। भागवत जी में क्या है? भक्तों के चरित्र है। तो श्रीमद् भागवत जी में सबसे पहला चरित्र किसका? द्रौपदी और देवी कुंती का, एक स्त्री का चरित्र। मुझे ऐसा समझ में आता है कि श्रीमद् भागवत जी में प्रथम चरित्र देवी कुंती और देवी द्रौपदी का एक स्त्री का चरित्र है। इससे ये समझ में आता है हमारे देश, हमारे समाज, हमारे परिवार की कोई नारी यदि भक्त बन जाए ना तो पूरी दुनिया का कल्याण कर सकती है, पूरे समाज का कल्याण कर सकती है। नारी यदि सुरक्षित है, स्त्री को यदि हम आदर देंगे तो सब कुछ मंगल होगा। स्त्री का आदर होना चाहिए। श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर में कई महीने तक रुके। और युधिष्ठिर महाराज राजा हो गए। कृष्ण ने पांडवों को बहुत मदद की युद्ध में। और अब कृष्ण ने देखा कि सब कुछ ठीक हो गया है, मेरी कोई इतनी आवश्यकता नहीं है। और भाई कृष्ण का भी तो परिवार है, कितना बड़ा परिवार लेकर बैठे हैं। हम तो एक पत्नी दो तीन बच्चों में ही थक जाते हैं। ये 16108 को लेकर बैठा है, कितना बड़ा वीर है ये। और सारी की सारी पत्नी संतुष्ट प्रसन्न, और सभी पत्नियों के 10-10 पुत्र और एक एक कन्या। 16108 की 10 बेटे और एक एक बेटी, और ये सब स्कूल कॉलेज में पढ़ते होंगे, प्राइवेट ट्यूशन भी होता होगा, इसको फीस कितनी भरनी पड़ती होगी। इसका ऐश्वर्य बड़ा अद्भुत है। तो भगवान कृष्ण द्वारिकाधीश हस्तिनापुर से द्वारिका जा रहे हैं। उनके दो सारथी हैं उद्धव और सात्यकी, दोनों रथ पर बैठे हैं। रथ चलने की तैयारी है, और रथ पर बैठने से पहले ये सब याद रखिएगा, रथ पर बैठने से पहले कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को गले मिले, अर्जुन को गले मिले। अर्जुन तो उनका हृदय का टुकड़ा है, अर्जुन तो अर्जुन, जिसके रोम रोम से कृष्ण का नाद निकलता है। भीम को गले मिले, नकुल सहदेव को मिले, और माता कुंती खड़ी थी तो कुंती माता के चरणों में कृष्ण ने दंडवत किया, कृष्ण ने प्रणाम किया, और कुंती के हृदय में वात्सल्य, चिरंजीवी भव, मंगलम भव, चिरायु भव, बहुत आशीर्वाद दिया देवी कुंती ने।
और माँ कुंती से कुंती बुआ लगती है, राइट। कृष्ण के पिता वसुदेव और वसुदेव की बहन है कुंती। सो बुआ है, प्रणाम किया, आशीर्वाद दिया और रथ पर बैठे हैं। और बस अब रथ चलने ही जा रहा था, उस समय क्या हुआ, द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने 6 ब्रह्मास्त्र चलाए, 5 ब्रह्मास्त्र 5 पांडवों के ऊपर, और पांडवों का वंश आगे बढ़ाने वाला एक बालक अर्जुन का पुत्र था अभिमन्यु, और अभिमन्यु की पत्नी जिसका नाम था उत्तरा, उत्तरा के पेट में एक बालक था। तो 5 ब्रह्मास्त्र पांडवों को मारने के लिए और उस बालक के ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ा कि पूरे पांडव का वंश ही खत्म हो जाए, इससे आगे कुछ बढ़े ही नहीं। ये काम द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने किया। और जब उत्तरा ने देखा कि वह धधकता हुआ ब्रह्मास्त्र मेरे पास आ रहा है, उत्तरा ने कोई भी थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं किया और वह प्रेग्नेंट नारी, वह गर्भवती नारी ब्रह्मास्त्र आते हुए देखकर दौड़कर कृष्ण के पास आई। पाही पाही महायोगी देव देव जगतपते, नान्यम त्वदभयम् पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्। पाही माम हे योगेश्वर, हे कृष्ण, पाही पाही मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। मनो कृष्ण कहे क्या हुआ, बोले अश्वत्थामा का धधकता हुआ ब्रह्मास्त्र मेरी ओर आ रहा है, इस ब्रह्मास्त्र से आप मेरी रक्षा करो। मनो कृष्ण ने रथ पर खड़े खड़े कहा कि अब ब्रह्मास्त्र है ना, तुम मर भी जाओगी तो क्या फर्क पड़ेगा, और तुम मेरे पास क्यों आई, मैं तो बांसुरी बजाने वाला ग्वाला हूं, दूध निकालना है तो मुझे बताओ, रास करना है तो मुझे बताओ, बांसुरी बजानी है, गाय चरानी है, ये सब मेरी प्रोफाइल है, तुम कहती हो कि ब्रह्मास्त्र से बचाओ। अरे ये योद्धा खड़े हैं, 5-5 वीर खड़े हैं जो अभी अभी महाभारत के रण संग्राम से विजयी होकर आए हैं, तुम उनके पास जाओ। तब देवी उत्तरा ने बहुत सुंदर बात कर दी कि नान्यम त्वत अभयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे कृष्ण, ये जो 5 खड़े हैं ना, ये 5ों योद्धा, 5ों पांडव एक दूसरे को यत्र मृत्यु परस्परम आपस में एक दूसरे को मार सकते हैं, मारना बड़ा आसान है लेकिन मरे हुए को जीवित करना ये तो मात्र आप ही कर सकते हैं, अभय तो मात्र आप ही दे सकते हैं। फिर सांदीपनी मुनि का पुत्र हो जो मर चुका था, यमराज के दरबार से बाहर निकाला, द्वारिका के ब्राह्मण के 10-10 पुत्र थे जो मर चुके थे, कृष्ण ने वैकुंठ से लाकर सौंपा। मरे हुए को जीवित कृष्ण करते हैं, मुझे श्रीवास आंगन याद आता है। चैतन्य महाप्रभु महाभाव अवस्था कोई समझ नहीं पाया, श्रीवास ने कहा कि मैया सची माता इसका इलाज मत कराओ, इसको कोई रोग नहीं है, इसको प्रेम रोग है, और इसका एक ही इलाज है कि चैतन्य महाप्रभु के साथ कीर्तन करो। और श्रीवास में बोले माँ चिंता मत करो, मैं मेरे घर पर लेकर जाऊंगा, कीर्तन करूंगा। और रोज श्रीवास आंगन में कीर्तन होता था, और एक दिन बाहर कीर्तन चल रहा है और अंदर बेटा मर गया, 8 साल का बेटा मर गया। पत्नी रोते हुए आई, श्रीवास ने देखा, अंदर गए, बोले रो क्यों रही है, बेटा मर गया। बोले चुप, महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं, उसका कीर्तन चल रहा है, और उनके कीर्तन में बाधा हम नहीं बनेंगे। मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं मांगा देवी, लेकिन आज तुम रोना मत। इतना कहकर श्रीवास बाहर आए और महाप्रभु के साथ नाचने लगे। रोना आसान है लेकिन दिल में दर्द हो और बाहर हंसना ये कठिन है। श्रीवास कीर्तन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, लेकिन अंतर्यामी महाप्रभु है। श्रीवास आज कीर्तन में आनंद नहीं आ रहा है, कुछ गड़बड़ है। नहीं नहीं महाप्रभु सब ठीक है, आप जारी रखो, बड़ा आनंद आ रहा है। नहीं नहीं कुछ कुछ तो है श्रीवास, सच सच बताओ कहाँ क्या प्रॉब्लम है।
नहीं महाप्रभु कोई प्रॉब्लम, मैंने कहा ना कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं हंस रहा हूं, मुझे आनंद है, आप नाचो। श्रीवास आज तेरा बेटा दिखाई नहीं रहा है, तेरा पुत्र आज दिखाई नहीं दे रहा है, तेरा पुत्र कहाँ है? बोले अंदर सो रहा है, कल एग्जाम है ना, जल्दी सो गया है, मौत की एग्जाम की। नहीं नहीं मुझे उसे देखना है, जरा बाहर बुलाओ। अरे महाप्रभु छोड़ो ना, आप कीर्तन जारी रखो। नहीं मुझे उसे देखना है। तब जब बारंबार महाप्रभु ने कहा, तब श्रीवास को कहना पड़ा कि महाप्रभु अभी अभी उनकी मृत्यु हो गई है। अब देखो भगवान तो भगवान है, भगवान के भक्त के घर पर कीर्तन हो और उसके बेटे की मृत्यु हो जाए, उसमें भक्त की लाज नहीं जाती, भगवान का नाक कट जाता है। तो मेरे भक्त के घर पर ऐसी आपत्ति। तब भगवान ने कहा कि बेटे को बाहर लेकर आओ। महाप्रभु ने उसके कान में कहा कि बेटा खड़े होकर हरि बोलो, भगवान के लिए क्या है, परमेश्वर है, सीधे प्राण फूके। और जो बालक मर चुका था, श्रीवास पंडित 525 वर्ष पहले का इतिहास, जिसके घर पर रोज सत्संग होता था और उस सत्संग से प्रसन्न होकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनके मरे हुए बालक को जीवित कर दिया। मरे हुए को जीवित करने का इतिहास कृष्ण के नाम पर दर्ज है। भगवान उसे कहते हैं जो मरे हुए को भी जीवित करके दिखाए। आज देवी उत्तरा ने कह दिया कि ये मार सकते हैं, लेकिन मरे हुए को जीवित तो आप कर सकते हो, मेरी रक्षा कीजिए। मानो कृष्ण कहे कि आप मर जाओ, उत्तरा देवी आप मर जाओ, तो इसमें क्या फर्क है, आपके पति तो है नहीं। आपको सुख देने वाला सबसे अधिक सुख तो पति ही देता है ना। हम लोग भले रोज पति के साथ झगड़ा करें, लेकिन एक दिन पति बाहर चला जाए तो क्या हालत होती है। सो असली सुख, सुख देने वाले परिवार में बहुत होते हैं, लेकिन सिद्धांत यह है कि एक पति जो सुख देता है वो कोई नहीं दे सकता। तो मानो कृष्ण कहे कि उत्तरा तुम्हें सुख देने वाला जियो बिनु देह नदी बिन वारी, जैसे ही नाथ पति बिन नारी। तुम्हारे पति है नहीं तो तुम्हारे जीवन में वैसे भी तो कोई सुख नहीं है ना। यदि तुम मर जाती हो ब्रह्मास्त्र से तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता ना। उत्तरा ने जो अब बात कर दी ना, कृष्ण का दिल जीत लिया। उत्तरा ने कहा, प्रभु हे श्याम सुंदर कृष्ण, हे कन्हैया, मुझे मेरी तनिक भी चिंता नहीं है। मैं मर जाऊं मुझे कोई गम नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरी तो आपके चरणों में इतनी प्रार्थना है कि मेरे पेट में जो बालक है उस बालक का क्या दोष, उस बालक का क्या अपराध, उसकी क्या गलती, आप मेरे बालक को बचा लीजिए। मैं भले मर जाऊं, आप मेरे बालक की रक्षा कर लीजिए। उत्तरा की प्रार्थना से प्रभु प्रसन्न हुए और भगवान कृष्ण बाहर से चतुर्भुज लेकर खड़े रह गए और अंदर द्विभुज, हाथ में चक्र और गदा लेकर अंदर गए और उस ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्भ की रक्षा हो गई। जय जयकार होने लगा। और इस घटना को सुनकर देवी कुंती के हृदय में कृष्ण के प्रति ऐश्वर्य भाव प्रकट हुआ। जो देवी कुंती अभी अभी आशीर्वाद दे चुकी थी, हैं, अपने बेटा समझकर आशीर्वाद दे चुकी थी, अब वो कुंती कृष्ण के चरणों में प्रणाम कर रही है। 5 मिनट पहले कृष्ण ने इनके चरणों में प्रणाम किया था, अब देवी कुंती कृष्ण के पास आती हैं और आकर स्तुति करती हैं। नमस्ये पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरं प्रकृते परम अलक्षं सर्वभूतानां अंतर बहिरव मुझे तो जब ये सब मैं बोलता हूँ ना, मुझे तो ये सब कैरेक्टर सामने आते हैं।
ये मेरे भागवत के ऊपर सब नाचते हैं। मेरा कोई पूर्व तैयारी कुछ नहीं, दिल से निकले हुए शब्द है। नमस्ये पुरुषम, क्या देवी कुंती, कुंती की स्तुति का प्रथम शब्द नमस्ये कन्हैया। हे भाई मैं तुझे प्रणाम करती हूँ। कोई माँ अपने बेटे को एक दिन अचानक प्रणाम करने लगे, वो बेटा क्या समझेगा है? वो कैसी परिस्थिति हो जाएगी। भाई मैं तुझे प्रणाम करती हूँ, नमस्ये नमस्ये। कृष्ण झुक गए, बुआ जी आप तो मेरी माँ के समान हो, आप मुझे प्रणाम करोगे ये अच्छा लगता है? आप मुझे प्रणाम मत करो, मैं तो आपका छोटा सा बेटा हूं, आप मुझे प्रणाम करोगी? तब देवी कुंती कहती है, कन्हैया आप दिखने में बच्चे हो, आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च, दिखने में 16 साल के हो, लेकिन मैं जान गई हूं तत्व से यदि देखा जाए कृष्ण तो इस चराचर जगत के बाप हो, इस संसार के आप ईश्वर हो, आप कोई साधारण बालक नहीं हो, इसलिए मैं आपको प्रणाम करती हूं। नमस्ये पुरुषम, आप परम पुरुष हो, आद्यम आप सबके आदि हो, सबके रूट सबके स्रोत आप हो, और आप ईश्वर हो, सबके कंट्रोलर हो, ईश्वर माने कंट्रोलर, और पुरुषम परम और प्रकृते परम, और ईश्वर होकर भी धरती पर आए और इस प्रकृति में रहकर भी प्रकृति से आप प्रभावित नहीं होते, प्रकृते परम। हम लोग प्रकृति में रहते हैं ना, लेकिन प्रकृति से टोटल प्रभावित है। हमारा जन्म होता है, रोग आता है, बूढ़े हो जाते हैं, सब प्रकृति के नियम है जिससे हम छूट नहीं सकते, परंतु ये नियम हमारे लिए हैं, भगवान के लिए नहीं है। वो प्रकृति में हमारी तरह आते हैं लेकिन प्रकृति के नियम कृष्ण को लागू नहीं पड़ते हैं। और कृष्ण अलक्षम सर्वभूतान, आप कहां नहीं हो है? इतो नरसिंह पर तो नरसिंह, यतो यतो या मित तो नरसिंह, सब जगह पर आप हो। वदन्ति तत्तत्वेदस्तत्वम यत ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान। कुंती की स्तुति अद्भुत, भाव और ज्ञान दोनों साथ में चला इस देवी की स्तुति में। कुछ लोगों ने स्तुति की तो केवल भाव में बह गए, और गजेंद्र जैसों ने स्तुति की तो केवल ज्ञान में बह गए, लेकिन ये देवी ने बड़ा कमाल किया, पैरेलली भाव और ज्ञान तत्व सिद्धांत के साथ चले। कृष्ण वदन्ति तत्तत्व इदस्तत्वम यद् ज्ञानम अद्वयम, निराकार ब्रह्म के रूप में दुनिया के कण कण में हो, परमात्मा के रूप में सबके हृदय में हो, और साकार स्वरूप में आप अपने धाम में हो, लीला करते हो, कहां नहीं हो आप? लेकिन हाय रे जीवों का दुर्भाग्य है कि आप सब जगह पर हो लेकिन फिर भी दुनिया के लोग आपको देख नहीं पाते हैं। सही बात है ना, हम लोग कहते हैं ना, ही इज माय क्लोज फ्रेंड, ही इज माय क्लोज रिलेटिव। अब रहता है कहीं बांद्रा में, क्लोज है? ट्राफिक ही 2.5 घंटा लगा देती है पहुंचने में, कहां का क्लोज है? आप विचार करो, हम आत्मा है और आत्मा से सबसे अधिक क्लोज कौन है? परमात्मा। हम लोगों का सबसे अधिक क्लोज, हमसे सबसे अधिक निकट स्वयं भगवान है, लेकिन हमारा दुर्भाग्य कैसा है कि जो हमसे सबसे क्लोज है ना, हम उसी को नहीं जानते, हम उसी का नहीं मानते, हम उसको न पहचानते हैं, न उनसे बात कर सकते हैं, न उनको देख सकते हैं जो हमसे सबसे क्लोज है। ये दुनिया के कहलाने वाले क्लोज तो दूर भी हो जाते हैं, हमें छोड़ भी देते हैं, त्याग भी देते हैं, लेकिन ये जो बैठा है सभी परिस्थितियों में हमारे साथ रहता है।
तो जो हमसे सबसे अधिक क्लोज है परमात्मा, हम उसी को देख नहीं पाते हैं। देवी कुंती इसका उत्तर कितना बड़ा रहस्य खोल देती है। कृष्णा आप सबसे निकट हो, लेकिन निकट होने के बाद भी दुनिया के लोग आपको देख नहीं पाते हैं। और इसका एक ही कारण है, कुंती स्तुति दूसरा श्लोक, माया जवनिका छन्नम ज्ञादोक्षजम अव्ययम न लक्ष्य से मुड्ढ दशा नटो नाट्य धरो यथा। आप सब जीवों के निकट हो, सबके साथ हो, लेकिन संसार के जीव आपको लख नहीं पाते, देख नहीं पाते। कारण इतना ही है, ये जीव और प्रभु आपके बीच में पर्दा है, और वो किसका पर्दा है? माया का पर्दा। माया जवनिका, संस्कृत में आपकी जानकारी के लिए, ये जो कर्टन है ना, ये जो पर्दे, उसको जवनिका कहते हैं। क्या कहते हैं? जवनिका। सो माया जवनिका, माया रूपी पर्दा। सो हमारे और भगवान वैसे तो दोनों साथ में हैं, निकट हैं, लेकिन दोनों के बीच में माया रूपी पर्दा है। और इसलिए निकट होते हुए भी भगवान का अनुभव नहीं कर सकते, उसे देख नहीं सकते। तो मानो कोई कहे पर्दे को हटा दो, पर्दा ही है ना, दीवार थोड़ी है कि तोड़नी पड़ेगी। दीवार होती तो तोड़नी पड़ती, ताराचंद को बुलाना पड़ता। ये 7 दिन में कुछ तोड़ना फोड़ना हो तो एक आदमी है अपने पास। दीवार है, उसे तोड़ना थोड़ी है, पर्दा ही है ना, पर्दा है, उसे हटा दो। अब दुनिया का पर्दा तो आसानी से हट जाता है, लेकिन माया के पर्दे को हटाना कठिन है। देवी हेशा गुणमयी, क्या कहा गीता में कृष्ण ने, मम माया। एक तो ये माया मेरी है, अब प्रभु की है तो मतलब कुछ तो पावरफुल होगी। तो कैसी है? मम माया दुरत्यया, जिस माया को समझना, जिस माया से पार होना, दुरत्यय माने कठिन, बहुत हार्ड है, बहुत दुरु है, नामुमकिन सा है माया से, तो फिर प्रभु का दर्शन कभी नहीं होगा, वही पर्दा बना रहेगा। कृष्ण ने कहा एक चांस है, एक उपाय है, बड़ा सरल उपाय है। देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया, लेकिन अर्जुन एक सरल उपाय है, बोले क्या? मामेव ये प्रपद्यन्ते, संसार में 2400 घंटा माया में फंसा हुआ जीव मुझ कृष्ण की शरण ग्रहण कर लेता है तो माया मेताम तरंतिते, वो तुरंत माया से मुक्त हो सकता है, माया से दूर हो सकता है, बस मेरी शरण ग्रहण करने। अब प्रभु की शरण ग्रहण करने का अर्थ क्या है? प्रभु से प्रेम करना, प्रभु की सेवा करना। ये है शरण ग्रहण। हमारे गुजराती में वो कह के भगवान नी शरणे पड़ाए, भगवान नी माथे न पड़ाए, आपने बता माथे पड़ा है। प्रभु के शरणों में गिरा, आपने बता माथे पड़ना है। बस पढ़ना तो हम लोग जानते ही हैं, माथे न पड़कर अब शरणों में पड़े हैं। तो शरणों में पड़ने का अर्थ यह है कि प्रभु की सेवा, प्रभु के, प्रभु से प्रेम। रावण का जब अत्याचार बढ़ा ना, तो सारे देवता दुखी हुए। देवताओं ने मीटिंग की कि भाई अब तो भगवान को बुलाना पड़ेगा, भगवान के अलावा रावण का कोई उपाय नहीं है। लेकिन भगवान आएंगे कैसे, प्रकट कैसे होंगे? किसी ने कहा हिमालय में जाकर तप करते हैं, भाई इसमें तो लाखों वर्ष बीत जाएंगे। किसी ने कहा ध्यान करते हैं, किसी ने कहा यज्ञ करते हैं, सब लोग अपनी अपनी कहने लगे, और लास्ट में शिव जी का टर्न आया। ब्रह्मा ने शिव जी को कहा महादेव आपको कोई ओपिनियन, कुछ अपना मंतव्य देना है? शिव जी ने कहा देना है। तो अवसर पाकर शिव जी ने कहा
कि न हिमालय में जाने की जरूरत है, न गंगा में जाने की जरूरत है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जुहू में ही रहो। क्यों? क्योंकि जिसको प्रकट करना चाहते हो वो सब जगह पर है। हरि व्यापक सर्व समान, हरि व्यापक सर्व समान। लेकिन उसे प्रकट करने के लिए प्रेम ते प्रगट होई मैं जा। भाई हरि तो सब जगह पर है, लेकिन एक चीज करनी पड़ेगी। क्या? प्रेम ते प्रगट होई मैं जा। हरि तो सब शिव महादेव तो महादेव है। शिव जी बोलते कम है, लेकिन जब बोलते हैं ना तो बाउंड्री के बाहर ही होता है। बॉल है? सिक्स या फोर ही होती है शिव जी की। कितना बड़ा सूत्र है। फिर आगे तो ऐसा वर्णन है, मोर अनुग्रह सबके मन माना, और साधु साधु कही ब्रह्म बखान। शिव जी ने कहा कि जब मैंने मंतव्य दिया ना पार्वती, तो सब ने ताली बजाई और ब्रह्मा तो नाचने लगा, साधु साधु वाह महादेव वाह। क्या चीज आप बताया? क्या कहा था शिव जी ने? हरि व्यापक सर्वत्र समान। हरि व्यापक है और सर्वत्र सभी जगह पर व्याप्त है। जो हरि वृंदावन में है वही आपके जुहू में भी है, वही अमेरिका में भी है और वही आपके लंदन में भी है। लंदन से माता जी कथा सुनने आई है। अब तो हमारे श्रोता पूरी दुनिया में हो गए। सब जगह पर हरि है। और ये भी सुन लो, शिव जी का महादेव का सूत्र है, हरि व्यापक और सर्वत्र समाना। आप लोग ऐसा दावा नहीं कर सकते हमारे वृंदावन में भगवान 100 किलो के हैं, आपके जू में केवल 60 किलो के और लंदन में केवल 20 किलो के। ऐसा होता है? शिव जी ने क्या कहा? हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि सर्वत्र है और समान रूप से है। और परंतु उस हरि को प्रकट करने के लिए उनसे प्रेम करना पड़ेगा, प्रेम करना पड़ेगा। देखो मूल सिद्धांत तो प्रेम का है। अब वो प्रेम आप कीर्तन करके भी प्रकट करो, आप कथा सुनकर प्रकट करो, आप चैंटिंग करके प्रकट करो, सेवा करके प्रकट करो, कुछ दान सेवा दक्षिणा देकर प्रकट करो, ये आपकी रुचि। मूल बात तो मैं इतना ही कहूंगा कि प्रेम से भगवान मिलता है। फिर प्रेम करने का तरीका सबका अपना अपना होता है। वहां पर किसी के धर्म को ठेस मत पहुंचाए। जिसमें जो जिसकी रुचि है उस रुचि से उनको आगे बढ़ने दें। हमारा क्या ना, हम लोग कभी कभी आध्यात्मिक अत्याचार करते हैं कि भाई मेरी रुचि है, तू जब वो करेगा तो ही तू मान। हम लोग हमारी फ्रेम में किसी को बिठाना चाहते हैं। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। मूल सिद्धांत है प्रेम से भगवान मिलते हैं, प्रेम करने से भगवान मिलते हैं। सबके प्रेम करने के तरीके अलग होता है। बकरी अपने बच्चे से प्रेम करेगी तो अपने हिसाब से, लेकिन एक सिंह किसी बकरी के बच्चे को प्रेम करने जाए तो बेचारा मर जाएगा। तो अपना अपना प्रेम होता है। तो प्रेम करना ये मूल सिद्धांत है। फिर वो प्रेम कैसे करना, तो उसके 64 अंग हैं जो आचार्य ने स्पेसिफाई किए। 64 में भी 9 अंग हैं, 9 में भी महाप्रभु ने 5 अंग बताए। वो अपनी अपनी बात है कि जहां आपको रुचि कर, जहां आपका मन लगे है? प्रेम से भगवान मिलते। हमारा क्या है ना, हमको भगवान से प्रेम करना नहीं है और केवल बस उंगली उठानी है
ये क्या रोज हरे कृष्ण करते हो, कभी कृष्ण को देखा तुमने? फिरल दिमाग के मुंबई में बहुत मिलते हैं, मुझे तो बहुत रोज ट्रेन में मिलते थे। हम तो जब ऑफिस जाते थे चन्नी रोड बोरीवली से, तो ऐसे माला लेकर जाते थे। तो एक दिन तो किसी ने कहा, दो महीने से देख रहा हूँ ये फ्रैक्चर हुआ है आपको। वो सफेद माला थी उस समय, तो ब्लू रखता हूँ, तो आपको फ्रैक्चर हुआ है, उसकी तो लाइन ही नहीं होती ना, कैसे सब क्या है? तो फिर मैंने ऐसे निकला, ये माला है, माला। ओ माला, क्या बोलते हो? तो महामंत्र हरे कृष्ण। दो महीने से देख रहा हूँ, लगातार लगे हरे कृष्ण, कभी देखा कृष्ण को नहीं? जिसको आपने कभी, आप लोग वैसे बहुत, आप लोग किसी को जिसको देखा नहीं और बस रात दिन उसके पीछे, ये कैसे विश्वास कर सकते हैं हम? मैं नहीं मानता हूं कि कृष्ण कृष्ण कोई है। चन्नी रोड से हम लोग चढ़े थे, लगभग बांद्रा तक ये बात चल रही थी। तो मेरे मन में आया, मैंने कहा कि हम लोग अभी लोकल ट्रेन में है ना, ये ट्रेन चलाने वाला कोई है? बोले है। तो मैंने कहा मैं नहीं मानता कि ट्रेन चलाने वाला कोई है। तो वो मुझे सलाह दे, ऐसे लोग सलाह बहुत देते हैं, तो मुझे सलाह देने लगा कि देखो भाई अभी अंधेरी स्टेशन आएगा, आप अंधेरी स्टेशन पर उतर जाओ, 12 डिब्बे की गाड़ी है, 12 डिब्बे आगे चलो, आगे का जो इंजन है वहाँ मोटरमैन ड्राइवर बैठा होगा, आप देख लो। मैंने कहा, हूँ गुजराती में बोलो, तारा हड़ी गेला ड्राइवर ने जोवा माटे, तेरे ये तेरे ड्राइवर को, साधारण ड्राइवर को देखने के लिए पहले तो मुझे राह देखनी पड़ेगी अंधेरी स्टेशन कब आएगा, फिर वो भीड़ में अंधेरी स्टेशन से मैं नीचे उतरूंगा, फिर पूरा प्लेटफॉर्म चलूंगा और फिर वहां जाकर देखूंगा। एक साधारण ड्राइवर को देखने के लिए जब इतनी मेहनत करनी पड़ती है, तो भगवान को देखने के लिए क्या मेहनत नहीं करनी पड़ती है? ऐसे ही भगवान दिखाई देंगे? अरे भाई मेहनत करनी पड़ेगी, और वो मेहनत क्या है? वो मेहनत है प्रेम, प्रेम प्रेमते प्रकट होई में जाना। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं? एक बार शबरी की तरह प्रेम से खिला कर तो देखो, माल पौवा दूर, झूठे बेर भी खा जाएंगे, चुरा चुरा कर माखन भी खा जाएंगे। प्रेम होना चाहिए, प्रेमते प्रकट। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं? एक बार मारवाड़ी की तरह बुला कर तो देखो, बोला तो बहुत सब। मेरा भाई की तरफ बुला कर तो मेरे तो गिरधर गोपाल ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी। अब मैंने न साथ में आवे तो क्या करूं ना, न साथ में डॉक्टर ऐसे पकड़ता है, अबे पकड़ा नहीं। ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, लागी लागी रे लगन, लागी लागी रे, ऐसी लागी लगन, पूरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरी गुण गाने लगी, लागी लगन मेरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरी गुण गाने लगी, महलों में बनी बन के जोगन चली, महलों में बनी बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। ऐसी लागी लगन या हो गई मगन, वो तो गली गली राणा ने विष दिया, हे मानो अमृत पिया, विष तो दिया मानो अमृत पिया, मीरा सागर में सरिता समाने लगी, मीरा सागर में सरिता समाने लगी।
जिंदगी दुख लाखों सहे मुख से मोहन कहे दुख लाखों सहे मुख से मोहन कहे मेरा गोविंद गोपाल गाने लगी मेरा गोविंद गोपाल गाने वो तो गली गली हरी गुण गाने लगी हो गई मगन वो तो गली गली हरी गो गाने लगी महलों में परी बन के जोगन चली महलों में परी बन के जोगन चली मीरा रानी दीवानी कहने लगी शिला की लगन मीरा हो गई सो मेरा भाई तो गिरधर गोपाल को ही अपना पति मानते थे मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई वैसे मीरा का पति तो था राणा तोड़ दे राणा तो राणा ही होता है ना और मीराबाई राणा की सेवा भी करती उनके साथ रहती लेकिन रुचि साधु संतों के साथ थी कथा सुनना कीर्तन करना नाचना और क्या होता है ना जो 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 प्रेम करता है उसमें दो चीज अवश्य होती है नाचना और गाना वो नाचे बिना गाए बिना आप पूरा लिस्ट निकाल दो नरसिंह मेहता हाथ में करताल लेकर नाचते थे चैतन्य महाप्रभु गुरु मोहे मूर्ख जानी करी लसाशन नाचते थे जिसने प्रेम किया इसलिए वो एक गीत आया हर दिल जो प्यार करेगा तुमने मान तो नहीं है हेलो उबाड़ो जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा भजन है ये भजन हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा और दीवाना दीवाना से जाना जाएगा दीवाना के पहचाना जाएगा रामचंद्र भगवान की जय आ भजनत के भाई मारा हिसाब है सो हर दिल जो प्यार करेगा जिसका दिल प्रेम करेगा वो गाना गाएगा गाए बिना रह ही नहीं सकता प्रमाण मारवाड़ की मीरा प्रमाण श्री चैतन्य महाप्रभु प्रमाण प्रहलाद महाराज क्वचित हसती क्वचित नृत्यती ये सब प्रमाण है मीराबाई मीराबाई नाचती थी ना ये राणा को उसके परिवार को पसंद नहीं था ये पसंद नहीं था ये क्या ना और मारवाड़ में तो आप जानते हो ना आज भी घूंघट तान कर कितना कितना मर्यादा हमारा देश धन्य है हमारी संस्कृति धन्य है और मारवाड़ राजस्थान तो मेरा भाई साधु संतों के साथ बैठती नाचती वहां की जो स्त्रियां थी ना वो मीरा को कहती थी मीरा ये तू क्या कर रही है
अपने पति को छोड़कर। ये क्या गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो मीरा की निष्ठा आप देखो, मेरे तो गिरधर गोपाल से बात चल जाती थी, लेकिन आगे क्या कहती। मेन चीज यहां पर है, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों नो कोई जो है ना वो निष्ठा है। रूप गोस्वामी के अनुसार श्रद्धा, साधुचंग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, निष्ठा। मेरे तो गिरधर गोपाल वो तो है, लेकिन दूसरों में कोई मेरा मेरा है। मीरा को समझने के लिए हजार जन्म बीत जाएंगे। मेरा भाई, मेरा भाई। वृंदावन में गई तो एक साधु से मिलना था, तो साधु के हमारे वहां कहते ना कि चाय से किटली ज्यादा गर्म होती है। साधु बेचारे बहुत अच्छे थे, लेकिन किटली ने मतलब शिष्यों ने कह दिया हमारे गुरुजी नहीं मिलेंगे। ये तो अच्छा हुआ रिक्शा में आपका मिलना हो गया। रिक्शा मुझे, मैं भूल नहीं पाता हूं रिक्शा को। आधी बाहर निकल गई, प्रभु जी अपनी कथा। लेकिन होते हैं ना कुछ कुछ आजू बाजू में जो होते हैं वो नहीं मिलते, वो बहुत बिजी होते हैं, वो ऐसा होते हैं वैसा होते हैं। तो मीराबाई को कहा किसी ने कि हमारे गुरुजी किसी स्त्री को नहीं मिलते हैं, वो सन्यासी हैं, वो किसी स्त्री को नहीं मिलते। मीरा ने केवल एक सेंटेंस कहा कि वो मैंने तो सुना था कि वृंदावन में एक ही पुरुष रहता है, वो है कन्हैया। मैंने तो सुना था कि वृंदावन में एक ही पुरुष रहता है, ये दूसरा पुरुष कहां से पैदा हो गया जो स्त्रियों से नहीं मिलता। इतना कह के मीराबाई निकली और शिष्यों ने अपने गुरुजी से कहा गुरुजी कोई स्त्री थी, हमने तो बोल दिया कि हमारे गुरुजी स्त्री से नहीं मिलते, लेकिन जाते जाते बोलती गई कि सुना था वृंदावन में एक ही पुरुष रहते, दूसरा कहां से आया। वो संत अपने स्थान से खड़े हुए और दौड़कर मीराबाई के पास गए, और जहां मीराबाई और संत का मिलन हुआ आज भी वृंदावन में वो स्थली है। फिर तो मीराबाई ने दीक्षा ले ली गौड़ीय संप्रदाय में, एक इतिहास है वो मीरा। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों में कोई। मीरा को कहा कि मीरा तूने तो धर्म भ्रष्ट कर दिया, जिस देश में हम लोग रहते हैं ना इस देश में अपने पति को परमेश्वर माना जाता है, पति परमेश्वर होता है, और तू अपने पति को छोड़कर गिरधर गोपाल, गिरधर गोपाल। तब मारवाड़ की मीरा इतना ही कहती थी कि मैंने कोई धर्म नहीं तोड़ा, मैंने कोई धर्म भ्रष्ट नहीं किया, आप लोग अपने पति को परमेश्वर मानते हो, मैं परमेश्वर को मेरा पति मानती हूं। अंतर के यह है मारवाड़, यह है मारवाड़ की श्रद्धा। समय हो चुका है, यहीं पर विराम करता हूं, आगे की कथा कल से सुनेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। जय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की जय। ये बोले उनके पहले मैं आपको कह दूं कि आप सब के लिए महाप्रसाद की व्यवस्था है, ग्राउंड फ्लोर पर जबरदस्त व्यवस्था है, खूब खाइएगा, है ना। यहाँ तो कुछ पेमेंट करना है नहीं है? इनका खाली हो जाना चाहिए, कल डबल बनना चाहिए, ठीक है। तो खूब प्रसाद पाइए। और हम क्या करेंगे, जो डायबिटीज़ वाले हैं, जो दूर से आए हैं, वो पहले जाएंगे और बाकी के मेरे साथ कीर्तन करेंगे, राइट। जिसको कीर्तन में आनंद लेना है कीर्तन करे, वहाँ तो व्यवस्था भी बनी रहेगी और धीरे धीरे वहाँ पर चलता रहेगा।
हरे कृष्णा। पोद्दार परिवार जी के द्वारा ये कथा आपने सबने सुनी। यदि आपको बहुत बहुत ज्यादा आनंद आया हो तो बहुत जोर से कहिए हरी बो हरी बो हरी बो। प्रभु जी को धन्यवाद देते हुए हम पुनः एक बार फिर उनके लिए बहुत जोर से महामंत्र कहेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये बहुत सुंदर परिवार को अपने कुछ इम्पोर्टेंट गेस्ट्स का सम्मान करना है, उनको मैं क्विकली यहाँ बुलाऊंगी। आप प्लीज़ सामने आइए और गौरीशंकर पोद्दार प्रभु जी उनका स्वागत सम्मान यहाँ करेंगे। आई एम रीडिंग द लिस्ट ऑफ द डिवोटीज दे विश टू ऑनर एंड आफ्टर दैट वील हैव आरती। तो आप कृपया बैठे रहिए। राधेश्याम जी पोद्दार, श्रीमान राधे श्याम जी पोद्दार जी पधारिए। श्रीमान शंकर जी चौधरी, मैं नाम लेती जा रही हूँ, कृपया करके आप आगे आइए और मंच पर आ जाइए प्रभु जी।
आरती अति पावन पुराण किया धर्म भक्ति विज्ञान का पुराण भागवत निरामल सुखमुख विगलित निगम कल्प फल परिमान सुधार समय लारती रस रस निधान की आरती कलिमल मथनी चिताप निवारिणी जन्म मृत्यु मया पव भय हारिणी नी सेवत सत सकल सुखकारिणी आरती अति पावन विषय विलास विमोह विमल विराग विवेक विकासिने भगवत परम ज्योति परमहंस मुनि मन रसिक हृदय रस रास मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुरासिनी कथा आरती अति पावन Krishna
मेहुल प्रभु मेहुल प्रभु गरेंगर की जय हो।